मैसेज आप लोगों तक पहुंचा कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, ठीक है, चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, अच्छा देखो, कल क्लास नहीं ले पाए थे बिकॉज कल थोड़ा सा वैक्सीनेशंस के लिए जाना पड़ा था, सेकेंड डोज था, तो इसलिए आते आते लेट हो गया, तो और इसलिए टाइम नहीं अरेंज कर पाए। एक्चुअली 5 बजे वाला जो क्लास था मैं नहीं ले पाया, 5:30 में। तो ठीक है सर, तो मैंने आज कुछ और क्लास को एडजस्ट किया तो ताकि लॉ का क्लास ले सकूँ। फाइनेंस का क्लास था, ठीक है, फाइनेंस में भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं सोचा ठीक है उनको बाद में कर देंगे, आज लॉ ले लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग। तो ठीक है सर, चलो बिजनेस लॉ पढ़ लेते हैं। हाँ, तो बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लास्ट लेक्चर्स में क्या बात हुआ था सर, किसको याद है? किसी को तो याद होगा। एसेंशियल ऑफर, वैलिड ऑफर। Essential of a valid offer, okay? Essential of a valid offer, very good sir. कि एक offer को valid होने के लिए क्या होना चाहिए? Basically contract का क्या है? Contract का क्या है? कि contract मतलब offer and what sir? Offer and acceptance. यानी very good sir. कोई भी contract को valid होने के लिए सबसे important दो चीज़, ठीक है? सबसे important दो चीज़. कोई भी offer और मतलब कोई भी contract दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो सर, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो आज मेनली बात होगा सर एक्सेप्टेंस पे, बिकॉज ऑफर पे मैंने डिटेल्स चर्चा किया, ऑफर रिलेटेड केस स्टडीज भी किया, आज हम लोग सर बात करेंगे एक्सेप्टेंस पे बेसिकली। ठीक है, ज़बरदस्त चर्चा होगा, बट एक चीज़ आप लोगों को भूलना नहीं है कि जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में बात करूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट का दो पिलर है, एक हो गया ऑफर का पिलर, दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस का पिलर। जैसे एक थोड़ा सा ऑब्विट बात है बट मुझे याद आ गया सर, ऑफर एक्सेप्टेंस एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे आप लोगों के यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम पे ये सोशल मैटर पे बात होता रहता है सर। आप लोग रिसेंट एक मूवीज देखे हो? मैंने देखा, रिसेंट नहीं हो गया, जब स्टार्टिंग आया था, शेरशाह बोल के एक मूवी आया सर, ये आपका विक्रम बत्रा उनके लाइफ। यस सर, आई नो आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं बात किया। ऐसे फ्रीडम फाइटर है सर, फ्रीडम फाइटर तो जो मतलब कारगिल वॉर में पाकिस्तान से लड़ाई किया, अपना जान दिया, ये थोड़ा अलग बात है। कि विक्रम बत्रा सर जो है सर, उन्होंने 99 कारगिल वॉर में बहुत लड़ाई लड़ा और भारत को बहुत बड़ा जीत भी दिया और साथ में अपना जान भी गंवाया। ठीक है, वो वाला पार्ट में नहीं आते, ठीक है। ये विक्रम बत्रा सर का जो पत्नी थे, मतलब अभी भी है, डिम्पल चीमा, सुने हो सर कहानी आप लोग? हाँ सर, यस सर, है ना, डिम्पल चीमा जो आज भी सर सिंगल है, बहुत पुराना बात है, उनका फैमिलीज जो भी थे विक्रम बत्रा सर का, उन्होंने बताया, उनकी फैमिली भी बताया था कि डिम्पल चीमा को कि भैया आप मूव ऑन करो अपनी ज़िंदगी में, इतना बड़ा ज़िंदगी को कैसे अकेले बिताओगे। लेकिन उनका एक चीज़ है सर, वो प्यार का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वो भूला नहीं। मतलब ऑफर किसके तरफ से था मूवीज में जितना मुझे दिखाई दिया सर, ऑफर ऑफर विक्रम बत्रा के तरफ से था, एक्सेप्टेंस समझ में आ गया सर, है ना, ऑफर था विक्रम बत्रा सर के तरफ से, डिम्पल चीमा सर चीमा मैम के तरफ से थे आपका एक्सेप्टेंस, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और लाइफ लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, ऐसे ये बिजनेस के अंदर बोलना उतना शोभा नहीं देता, इट्स अ सोशल मैटर, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट सर ऐसा ही होता है। मैं क्या क्यों ऐसा बोल रहा हूँ जानते हो? अभी आज कुछ अभी बात करेंगे ना एक्सेप्टेंस रिलेटेड, जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सिखाते हैं, विलियम एंशन का एक बहुत फेमस लाइन है, अभी मैं आपसे बात करूंगा तो आपको अभी समझ में आएगा कि गजब का लाइन है। और वो लाइन मुझे पढ़ते वक्त, जब भी मैं ये लाइन पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा ही कहानी याद आता है। तो रिसेंट ट्रेंड में मेरे को ये विक्रम बत्रा सर का लव स्टोरी याद आ गया, सीरियसली, कि डिम्पल चीमा मैम ने जिस तरह का प्यार, सीरियसली मतलब ओरिजिनल प्यार इसको बोलते हैं, कि जिसको बोलते हैं ना मतलब सच्चा, मतलब जो आजकल क्या है ना रोज का, मतलब हम लोग चूज भी गलत लोगों को करते हैं, जो हम लोगों को आसपास में दिखता है कि गलत, मतलब गलत इंसान को चूज करते हैं, फिर दो दो मिनट में ऑफर एक्सेप्टेंस, रोज का ऑफर एक्सेप्टेंस, कुछ बात बनता नहीं है।
मतलब एक अच्छा इंसान होना पड़ता है ना सर, वो बात मिसिंग है आजकल। चलो अलग बात, ऐसा बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे सर ये क्या लॉ का क्लास चल रहा है कि कोई दूसरा टाइप का क्लास चल रहा है। चलो सर छोड़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है सर। ऑफर और एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू क्या बनता है सर? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चाहे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाते हैं, इवन आजकल शादी वाला मैटर भी लीगल एनफोर्सेबल होता है ना सर, इसलिए हम लोग शादी का भी क्या करते हैं सर, मैरिज एक्ट में आते हैं ना सर। वो क्या होते हैं, मैरिज एक्ट के थ्रू से शादी करके उसमें क्या कर लेते हैं, एक साइन करके बॉन्डेज कर देते हैं कि भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। तो बेसिकली लॉ के थ्रू से क्या कर देते सर, बांध देते हैं। हाँ सर, ऐसे बांध देते हैं या फिर चाबी लगा देते हैं, सिंपल बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाला कहानी याद रहेगा सर? हाँ क्या रे, याद रहेगा ना, ऐसे आप लोग जानते हो। yes. पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आप लोगों को, ऐसे दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पर देखो सर, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। हाँ एक्सेप्टेंस जब भी याद करना है ना, तो बस डिम्पल चीमा मैम को याद करना है। ओके सर, ऐसे मूवी में कौन निभाया सर डिम्पल चीमा का जो किरदार है? कियारा आडवाणी है ना सर, ठीक बोला मैंने? अरे अरे सही बोला कि नहीं? यस सर, हाँ सर सही बोल दिया। ओके तो चलो सर बात को आगे बढ़ाया जाए, एक्सेप्टेंस को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग। तो चलो सर, ऑफर लास्ट वीक बहुत अच्छे से किए थे आज हम लोग ऑफर के बारे में, तो ऑफर आज नहीं, आज एक्सेप्टेंस में बात करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो दो पिलर है उसका एक पिलर जो ऑफर वाला पिलर था, जो बात मुझे ऑफर से करना था मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास कर डाला सर। लास्ट क्लास, उससे पहले वाला क्लास अगर किसी का भी मिस है ना सर, प्लीज़ कर लीजिए। ओके, प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज हर एक क्लास में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो ऑफर का डिटेल्स कर दिया, मिस हो गया था टाइमिंग की वजह से, तो फिर लिया नहीं, मेरे को बोलना चाहिए था। अरे सर हम मतलब आपको व्हाट्सएप पे उस वक्त ध्यान ही नहीं दिए थे। तो एलआर का, तेरा एलआर का मिस था, तो एलआर का बोला, एलआर का तो मैम फटाक से मेरे को दिया और मैं तेरे को सेंड कर दिया। तो मैम का क्लास हो, मतलब मैम का क्लास ध्यान में, आपका जो ट्यूसडे का क्लास था ना, वो मेरे माथा से उठ गया था। अच्छा ठीक है, माथा में और एक माथा लगा ले सर, जरूरत है लगता है। माथा में और एक माथा लगा ले। ओह क्या माथा है तुम लोग का, बस काम का चीज ही भूल जाते हैं सर, बेकार का चीज सब याद रहता है। आपका भी मेरा भी ऐसे ही हालत है, जानते हो, बेकार का चीज सब याद रहते हैं, काम का चीज भूल जाते हैं। हाँ सर, ह्यूमन फैक्ट है सर। हाँ अच्छा देखो, एक्सेप्टेंस, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। अच्छा एक गजब बात याद आ गया, ये सेक्शन 2 जो है ना सर, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया ना सर। ठीक है, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मजा का बात बताता हूँ आपको, सेक्शन 2 में ना सारा का सारा डेफिनेशन डील किया गया, मतलब ज्यादातर केस में। ठीक है, हाँ कुछ जगह में हो सकता है ऐसे, मैं तो लॉयर तो नहीं हूँ सर, लॉ का इतना डिटेल्स नहीं पता मुझे, बिजनेस लॉ पता है, कंपनी लॉ पता है, बट फिर भी एक छोटा सा बात बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम केस में कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट्स है, कोई कोई है यहाँ पर जो LLB भी करते हैं CA CS के साथ साथ, ठीक है, तो उनको शायद ज़्यादा पता होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम है सर कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये जहाँ जहाँ डेफिनेशन लिखा है, मैक्सिमम केस में सेक्शन 2 को यूज़ किया गया है, नॉट जस्ट इन बिजनेस लॉ, इन एनी अदर लॉ ऑल्सो। ओके ठीक है सर, छोड़ो आगे बात करें, ये आपका मतलब एक अलग लेवल का बात था। ओके तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो गया सर? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट, इन द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रोपोजल इज मेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रोपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, प्रोपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सिंपल बात है ना सर, मैं आपको कुछ कहता हूँ, ठीक है, अगर आप उस बात पे हाँ मानते हो, मतलब एक्सेप्टेंस करते हो, व्हेन द पर्सन टू होम प्रोपोजल इज मेड, ठीक है, मैं आपको कुछ प्रोपोजल करता हूँ, आपको कुछ ऑफर करता हूँ, और अगर आप उस बात को एक्सेप्ट करते हो, इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, बेसिक बात है सर, असेंट मतलब ओपिनियन, ठीक है, तो हाँ कहना भी हो सकता है, ना कहना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर, ठीक है, तो द प्रोपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, मतलब आप राजी हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर दिल राजी है, समझते हो ना, तो राजी होना बहुत जरूरी है। Proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a, क्या हो जाएगा सर?
जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रॉमिस. प्रॉमिस है ना. द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ओके एक सेकेंड, कौन कुछ लिख रहा है. ठीक है, तो एनालिसिस, ये डेफिनेशन जो है सर, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं ना. हाँ, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या बताता है. एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज होगा सर, एकदम डिटेल्स केस स्टडीज होगा, एनालिसिस होगा, सब कुछ होगा. अच्छा, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जाम्पल, कुछ सिंपल एग्जाम्पल है. इफ ए ऑफर्स टू सेल इज कार टू बी, सिंपल एग्जाम्पल है. ए ऑफर कर रहा है, अपना कार सेल करेगा किसको सर? बी को. कितने में बेचेगा? 2 लाख पे. यार प्रपोजल इज मेड टू बी, ए ने प्रपोज किया बी को, भाई मैं अपना गाड़ी बेचना चाहता हूँ तुमको. कितने में सर? 2 लाख में. सिंपल है ना. एक ने ऑफर किया, दूसरा ने एक्सेप्ट, मतलब ये ऑफर हो गया. ठीक है, यार प्रपोजल इज मेड टू बी. प्रपोजल किसको हो रहा है सर? प्रपोजल बी को हो रहा है. ए कर रहा है किसको प्रपोजल सर? बी को प्रपोजल. ठीक है. अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम लोग थोड़ा सा मतलब लव स्टोरी से भी सीख रहे थे ना सर, कौन किसको ऑफर किया, कौन किसको प्रपोजल दिया. द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, दैट इज बी इन दिस केस. हमारे किताबी एग्जाम्पल में क्या है सर? बी. इन द अबव एग्जाम्पल एंड इफ बी सिग्निफाइज इज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, अगर बी ने बता दिया हाँ भाई मेरे को लेना है तुम्हारा गाड़ी, मतलब तुम्हारा कार. कितने में सर? तुम्हारा गाड़ी हमें नेबो कौतो दम है 2 लाख के, चलेगा ना सर? तुम्हारा जो कार है वो मेरे को लेना है. कितने में लेना है? 2 लाख में लेना है. ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो गया ना. देन वी कैन से दैट बी हैज सिग्निफाइड हिज कंसेंट ऑन द प्रपोजल मेड बाय ए. सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसको लेके लॉ बना दिया. हाँ, ये तो दिन रात चलता है. हाँ, कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेचता रहता है. क्या रे, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया भर में करोड़ों सेल हो चुका होगा, करोड़ों लोगों के साथ एक दूसरे का ऑफर एक्सेप्टेंस बन चुका होगा. क्या रे, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं बट दुनिया में चल रहा है ना सर ऑफर एक्सेप्टेंस. क्या लगता है, घर के बाहर निकलो, कोई दुकानदार के दुकान के सामने जाओ, देखो, किसी लॉयर के ऑफिस में जाओ, ठीक है, या फिर नॉर्मल घर के अंदर ही देखो ना, ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है. ठीक है, तो ये मतलब डेली का बात है, हर मिनट का बात है, हर सेकंड का बात है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो रहा है. ठीक है, लेकिन एक गजब बात है सर. लेकिन मतलब गजब क्यों, पूरा दुनिया को चलाते हैं सर ये ऑफर एक्सेप्टेंस. गजब इसीलिए गजब है. ठीक है, मतलब लॉ है पर गजब है, मतलब अजब अजब पढ़ाई की गजब सब्जेक्ट है. मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए दुनिया चेंज हो जाए. अगर एक्सेप्टेंस नहीं बनता है तो भी दुनिया बदल जाती है, और एक्सेप्टेंस बनता है तो भी दुनिया बदल जाते हैं. मतलब सर दुनिया बदल जाते हैं. अरे देखो, अभी देखो दुनिया बदलेगा. व्हेन बी हैज सिग्निफाइड हिज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, वी कैन से दैट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे सर? प्रॉमिस. ठीक है, सिंपल बात है. जब एक्सेप्टेड प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए उसको बोलते हैं प्रॉमिस. नाउ अब देखो सर, ये थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल बातें करेंगे अभी. कैसे बातें करेंगे सर? फिलोसॉफिकल बातें. आप लोग फिलोसॉफी सब्जेक्ट पढ़े हो कभी, किसी ने भी कभी भी? गलती से भी कभी नहीं पढ़ा किसी ने? नो सर. पढ़ा है गलती से? ऐसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा फिलोसॉफी अगर ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, अगर कभी. हाँ सर बोलो. यूट्यूब वीडियो, सिनेमा सीरीज देखे होने जानी होने की. अच्छा, वीडियोस वगैरह देखे हो फिलोसॉफी के बारे में, चलो बढ़िया है. ऐसे आजकल तो ऑडियो बुक्स भी है, सुन सकते हो. फिलोसॉफी सब्जेक्ट को लेकर कभी चर्चा कर सकते हो अपने अंदर, बिकॉज फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, मतलब जो जहाँ पर हर सब्जेक्ट अपना जवाब देना बंद कर देता है, एक्चुअली फिलोसॉफी वहाँ से अपना जवाब चालू करता है. क्या बात करते हो सर. यस सर, जहां बाकी सब लाइफ देखा माने সবাইকার দি লাইফ দেখা কেমন কেমন ধরন নজরিয়া সেই নিয়ে ডিল করে. यस, फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट नजरिया. जैसे मैं कभी पढ़ता था स्कूल लेवल में सर, एक होता है सर वेस्टर्न फिलोसॉफी और एक होता है अपना ईस्टर्न फिलोसॉफी. ठीक है, मैं आपको ईस्टर्न में कुछ फेमस लोगों के बारे में बात कर सकता हूं 2 मिनट के लिए. ऐसे ये पढ़ाई का पार्ट नहीं है सर, बस ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज़ यहां पर थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें होगा. जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ऋषि अरविंद, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इस तरह का जो भी लोगों के बारे में आप जानते हो ना, दे आर एक्चुअली नोन एज ग्रेट फिलोसोफर. इवन रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ले सकते हो. वेस्टर्न्स में फेमस में आप ले सकते हो जैसे एरिस्टोटल, बहुत पुराने जमाने में, ठीक है, दांते बोल के एक बहुत फेमस फिगर है, हिस्ट्री किताब में शायद पढ़े होंगे सर आप लोग. ठीक है, दे ऑल आर नोन एज इवन गैलीलियो गैलीली. ठीक है, ये सब एक्चुअली फिलोसोफर के कारण मतलब ज्यादा जाने जाते हैं सर, जो दूर तक. हाँ बोलो.
Socrates, yes. हाँ ये Socrates, very good sir. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं बट कुछ नाम मुझे याद आया. तो ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे ना बचपन में, मेरा फिलोसफी था एक बार, तो उस टाइम पे मैं पढ़ता था इसको, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा ये होता था, मतलब डिबेट चलता है. फिलोसफी का अगर नॉलेज किसी के अंदर हो ना तो लॉजिक, एक्चुअली यही सब्जेक्ट से लॉजिक बनता है और ये सब बात करता है. चलो सर छोड़ो, फिलोसफी सब्जेक्ट्स के बारे में छोड़ो, अब थोड़ा देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंशम, ठीक है, तो ये एक्चुअली लॉ मैटर में काम किए हैं, फिलोसॉफिकल मैटर में काम किए हैं काफ़ी ज़्यादा, अब बाद में इनके बारे में जानकारी ले सकते हो. अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंशम, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ ए गन पाउडर. पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये एक कोट है, ठीक है, ये कोट आपको क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा. एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर. सर लाइटेड मैच समझते हो ना सर, मैचेस को बोल रहे हैं सर, मतलब बारूद के अंदर, मतलब बारूद का जो रिंग होते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे मानो कि दिवाली में पटाखा फोड़ते हो क्या, अरे दिवाली में, दिवाली के टाइम पे लंका फटका क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो बंगाली में बोलते हैं लंका फटका, लंका फटका का रिंग होता है ना सर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, काली फटका, काली फटका, हाँ कोई कोई बोलते हैं काली फटका, उसका पूरा चेन होता है ना सर, हाँ, और एक पूरा चेन मिलता है और उसमें एक छोटा सा बारूद का एक जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सुतली टाइप का जो सामने बारूद का रहता है उसमें आग लगाते हैं और फिर फट 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 करता रहता है ना. कोई कोई तो ज्यादा साउंड के लिए कोई टीना के डब्बा के अंदर डाल देता था, है ना, आप लोग की हो गया. मेरे को सर ये सबसे बहुत डर लगता है, मैं सच बता रहा हूँ. मैं ये बाजी पटका जो होता है ना, लाइक चॉकलेट बोमा बूढ़ीमा टाइप का जो भी होता है, मेरे को नहीं, नहीं भाई तेरे जैसा ताकत नहीं है मेरे में, मेरे को बहुत डर लगता है. नहीं सीरियसली मैं एकदम, मैं तो सर वो हार्डली, वो जो चरखा होता है ना, चोरकी बोलते हैं हम लोग उसको या तुबड़ी, वो हार्डली कर लेता हूँ, बट ये जो भी आवाज करने वाला होता है ना मेरे को सबसे बेकार लगता है, जो भी हो. चलो अच्छा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट सर, एक्सेप्टेंस इज व्हाट इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. मतलब कहने का मतलब है, अगर आप गन पाउडर में, मतलब गन पाउडर के चेन पे अगर एक बार आप आग लगा देते हो, क्या फिर से उसको वापस कर सकते हो कि भाई नहीं नहीं अभी रुक जा बाद में करे ना, एक बार बारूद में आग लग जाए उसको रोकना मुश्किल है या नामुमकिन, क्या लगता है, रोक सकते हैं सर? नामुमकिन है सर, नामुमकिन सर, मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन. अब कोई बोलेगा सर मैं संगे संग पाइप से पानी दे दूंगा, हाँ बंद हो जाएगा, अलग बात सर, बट एग्जैक्टली यही है एक्सेप्टेंस. ये एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करने से पहले 10 बार सोच लिया करो, ठीक है. The effect of his observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone. What acceptance triggers? एक बार acceptance हो जैसे simple, बंदूक से भी बोल सकते हो, अगर एक बार बंदूक से trigger दबा दिए तो क्या गोली को वापस कर सकते हो, भाई रुक जा अपना हाथ डाल के क्या करोगे, रुक जा मत जाना अभी, ऐसे करोगे क्या? अगर ऐसे करते हो तो क्या होगा, अपना ही हाथ जलेगा या फिर अपना ही हाथ फटेगा, है ना. इसलिए बोलते हैं द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेप्टेंस वर्ड जो है ना, ये विलियम एंशम का गजब का सोच है, मतलब ये सोच से पहले शायद हम लोग नहीं सोच पाते, इसीलिए इनका सोच इतना इंपॉर्टेंट माना गया है, इसीलिए लॉ में भी पढ़ाया जा रहा है सर. द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैनॉट बी रिकॉल्ड और अंडन. एक बार हो जाए तो आप उसको अंडन नहीं कर सकते, ओके. बट देर इज अ चॉइस टू द पर्सन, देर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड. मतलब आग लगाने से पहले, लाइट लगाने से, मतलब जो मैचेस होता है ना सर, मैचेस से आग लगाने से पहले रोक सकते हो ना, क्या रे नहीं समझे बात को, हाँ. द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड इन इट इफेक्ट मीन्स दैट ऑफर कैन बी विदड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड. मतलब एक्सेप्टेंस होने से पहले अगर आप अपने ऑफर को हटा लेते हो, कर सकते हो. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. एक बार acceptance हो जाए ना सर, फिर revoke करना नामुमकिन है. But sir, क्या revocation हो सकता है? हाँ सर, बताऊंगा मैं आप लोगों को, आगे की चर्चा रहेगा. Revocation of offer and acceptance, उसका भी कुछ area है, कब कब ऐसा कर सकते हो, उसका law अलग जवाब देता है आपको. But in general अगर आपको पूछा जाए कि क्या एक बार acceptance हो जाए कि उसका change नहीं कर सकते, तो आपका जवाब होगा सर ना. एक बार अगर ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते. कुछ स्पेशल सिचुएशंस आता है जब रिवोकेशन किया जा सकता है, बट वो बाद में चर्चा करेंगे सर. एक साथ सब चर्चा करेंगे तो आप भी पागल, मैं भी पागल. दिस मींस एज सून एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड, है ना. ट्रेन ऑफ गन पाउडर मतलब ऑफर, ट्रेन ऑफ गन पाउडर मतलब
offer. Okay, in itself is inert, but it is lighted match. Lighted match means sir acceptance, which causes the gunpowder to explode. Gunpowder ko kaun explode karega? जो बारूद है उसको कौन एक्सप्लोड करेगा? ऑब्वियसली लाइटेड मैच करेगा, मतलब आग जलता हुआ मैचेस करेगा, है ना? दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज एन ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. ऑफर कभी भी किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता. ऑफर अकेला किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता. और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत जरूरी है. एकदम स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर की स्टार्टिंग क्लासेस में हम लोग यही पढ़ते थे कि कॉन्ट्रैक्ट सब हमेशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है. अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ना करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. तो ऑफर अकेला कभी भी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता, बट इट इज द एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी. एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी मतलब जिसको आपने ऑफर किया था, है ना, विच क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप. वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन और रिवोक्ड. An offer remains an offer. Point to be noted, sir. An offer remains an offer so long as it is not accepted. Offer तब तक offer रहता है जब तक ये accepted ना हो जाए, है ना? But becomes a contract as soon as it is accepted. Offer तब तक offer रहता है जब तक accept ना हो जाए. और एक बार accept हो जाए तो फिर क्या बन जाएगा? Contract बन जाएगा. Simple बात है. Offer तब तक offer है जब तक उसका acceptance ना हो. ठीक है? एक बार offer में acceptance का tick लग जाए ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही जाता है सर, है ना? क्या रे, बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? अ ट्रेन ऑफ एक्सेप्टेंस इज, एक्सेप्टेंस क्या हो गया फिर? एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, है ना? गन पाउडर में मैचेस जला के आग लगाने जैसे हैं. एक बार ऐसे बोलते हैं ना सर नॉर्मली, कि बोलते हैं कि अपना मुंह संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचा करो, है ना? ये सिखाया जाता है सर, ट्रेडिशनल हमारे फैमिली सिस्टम में सिखाया जाता है, फैमिली टीचिंग्स में, कि बंगाली में ऐसे सीखते हैं हम लोग बचपन में, बॉलर आगे भेबे बोलो, इस तरह का बोलते हैं ना हम लोग. तो बंगाली फैमिली में ऐसे ही सीखे सर कि जो बॉलर आगे भेबे बोलते हैं, मतलब किसी को भी कुछ भी बोलो थोड़ा सोच के बोलो, बोला करो. मतलब ऐसा नहीं कि जो भी मुँह में आता है बक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे को, मैं तो जो भी मुंह में आता है बक देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, है ना? मतलब स्पेशली अगर कोई नॉर्मल बात हो तो ठीक है डे टू डे लाइफ का, बट अगर कोई डिसीजन मेकिंग बात हो तो फिर आपको सोच समझ के ही बात करना चाहिए, है ना? किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब ऐसा अड़ंग बड़ंग नहीं सोचना चाहिए. हाँ कर कर, ऑब्वियसली क्या सबको शो कर रहा है रे? आज वेदर खराब है सर बहुत जगह में, मेरे यहाँ पर ही तो बीच बीच में इतना जोर से हवा चल रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अभी उड़ा के लेके जाएगा. आप लोग उधर भी ऐसा हवा चल रहा है क्या सबके वहाँ पर? बारिश भी हो रहा है यहाँ पर, आज मेरे यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है, बट हवा कभी कभी जोर से चल रहा है. बारिश ना ही हो तो अच्छा है सर, बारिश का हालत इधर इतना खराब है ना. बारिश होगा तो फिर से घर फिर से डूबेगा. घर के मतलब पूरा फर्स्ट फ्लोर तो मैक्सिमम का डूब रहा है आसपास, मतलब जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है वो सब एरिया में स्पेशली. अभी बारिश आ गया जोर से, ये साइक्लोन पे साइक्लोन. हाँ नेचर का भी क्या है सर? हाँ बोलो, फिर से आने वाला है क्या सर? हाँ साइक्लोन चल रहा है, तो ये तो साइक्लोन ही चल रहा है सर, ये चलेगा. साइक्लोन तो, अरे वही साइक्लोन, पहले देख हर चीज पहले साइक्लोन तो टाइप में रहता है, बट ये छोटा मोटा साइक्लोन है, ठीक है? फिर वो साइक्लोन, ये जो हवा चल रहा है ना, ये साइक्लोन के कारण ही हवा चलता है. उसके बाद जब वो साइक्लोन में उतना पावर नहीं होता तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है, समझ रहा है? किसी किसी जगह में वो सिंपल डिप्रेशन बन जाता है, किसी जगह में वो साइक्लोन करता भी है. आप लोगों को मैं उस दिन दिखा रहा था, अगर आप लोगों को वेदर के बारे में पहले से जानना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप वेदर के बारे में थोड़ा सा खबर ले सकते हो. थोड़ा नहीं, अच्छा ले सकते हो सर. न्यूज़ चैनल वाले भी यहीं से लेके बताते हैं. मैं कुछ दिन पहले किसी किसी को शो कर रहा था, ये वाला इमेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये क्या है जानते हो? ये सैटेलाइट है, ये एक्चुअली लाइव सैटेलाइट इमेज है. आप चाहो तो यहाँ से हमेशा मतलब ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, आप वेदर के बारे में पता कर सकते हो सर. मैं आपको लाइव में दिखा दे रहा हूँ. ये देखो सर, आपको ये एरिया दिख रहा है ना सर? देखो पूरा साइक्लोन के जैसा ही ये बना हुआ है, देख पा रहे हो सर? दैट इज द रीजन ये हवा चल रहा है ना. ये पहले एक्चुअली इसका मेनली जो था वो मेनली आंध्र प्रदेश में यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडे एक्चुअली मेन काम कर दिया,
लेकिन छोटा मोटा कुछ एरिया था जो अभी बंगाल में आ गया है सर, बंगाल उड़ीसा में चल रहा है, उड़ीसा में भी बहुत बारिश हुआ है, ठीक है, तो और बांग्लादेश में भी अभी एंट्री लिया है, तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हो, ये सब लाइव इमेज है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। सर हम लोग वेदर रिपोर्ट मैन भी बन जाएंगे क्या? अरे सर जो ज़रूरी है जान लो क्या है, वेदर के बारे में पता कर लो, और जो एरिया में कुछ नहीं है ना वहाँ पर मतलब आसमान पूरा एकदम, ये सब एरिया पूरा क्लैरिटी है सर, पूरा क्लियर है, क्लियर आसमान। ओके चलो, क्या साइट है सर? imd.government.in। चलो आ जाओ सर। अच्छा कहाँ पर बात कर रहे थे? तो समझ में आ गया सर कि एक्सेप्टेंस का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्या रे, क्लियर है कि नहीं बोलो? यस सर, यस सर। अच्छा लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। अब कुछ ऐसे लीगल रूल्स और केस स्टडीज पढ़ेंगे सर, रियल लाइफ केसेस हैं जो कभी हुआ है किसी ना किसी कंट्री में, स्पेशली इंग्लैंड का मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिकॉज इंग्लैंड काफ़ी दिन तक हमारे देश में राज किया ना सर, 200 से ज़्यादा, तो उन और उसी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बना हुआ था, तो उनका डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलता है मैक्सिमम केस में। अच्छा लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है, और वही रीज़न है हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं इतना ज़्यादा, और कोई रीज़न तो है नहीं। अच्छा तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं सर। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, ध्यान से सुनिएगा बात को, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जो स्पेसिफिक ऑफर होता है ना, जिसके लिए होता है उसी को करना चाहिए ना, क्या रे स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है भैया, आपके लिए है तो आप ही एक्सेप्ट करो, जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक में स्पेसिफिक इंसान को ही एक्सेप्ट करना होगा जिसके लिए ऑफर था। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? इसके ऊपर एक केस था, हम लोग ऑफर के केस जब हम लोग एक्सेप्ट ऑफर पढ़े थे तब भी इसके बारे में बात किया था सर, बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का केस, बॉल्टन और जॉन्स का केस में 1857 का केस है, इसमें तीन दोस्त के बीच का कहानी है, बॉल्टन जॉन्स एंड ब्रोकलहार्ट। ओके बॉल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहार्ट, किसने किससे बिजनेस लिया था, ये केस मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी समझाया था, बट ऐसा केस कुछ ऐसा था, बॉल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहार्ट, जॉन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर, जॉन कौन है सर, ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर है, ठीक है, ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर है, मतलब यहाँ पर किसको किससे पैसा मिलेगा, जॉन ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर है मतलब ब्रोकलहार्ट को पैसा मिलेगा किससे, अरे बोलो सर, जॉन हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर, किसको किससे पैसा मिलेगा, बॉल्टन। अब क्या हुआ यहाँ पर, खेल क्या हुआ, बॉल्टन और ब्रोकलहार्ट के बीच में क्या हुआ सर, बिजनेस का अदला बदली हो गया, बॉल्टन क्या कर लिया, ब्रोकलहार्ट से बिजनेस खरीद लिया, लेकिन जॉन ने जब ऑर्डर किया तो ऑर्डर किसके पास पहुंचा, ब्रोकलहार्ट के पास पहुंचा कि बॉल्टन के पास पहुंचा, क्या लगता है, अगर ब्रोकलहार्ट का बिजनेस अभी बॉल्टन के पास है तो फिर जब गुड्स का ऑर्डर किया तो ऑर्डर किसके पास पहुंचेगा, बॉल्टन के पास पहुंचेगा, बॉल्टन के पास पहुंचेगा, है ना, तो बॉल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम, ऑर्डर एक्चुअली उसके नाम पे था ही नहीं, ब्रोकलहार्ट के नाम पे था, जॉन रिफ्यूज टू पे बॉल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज बाई एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहार्ट ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेब्ट अगेंस्ट ब्रोकलहार्ट, ठीक है, एक्चुअली ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया था ना, ये एक्चुअली ब्रोकलहार्ट से जो उनको पैसा मिलना था उसको एक्चुअली वो सेटल करना चाहता था, कौन, जॉन, ओके, तो जॉन एक्चुअली ब्रोकलहार्ट के साथ जो उनका क्रेडिट था वो कॉन्सेप्ट जो था उसको सेटल करना चाहता था, भाई तुमको मेरे से पैसा चाहिए था तो कुछ गुड्स देके तो ये वाला पूरा का कॉन्सेप्ट को मतलब बेसिकली सेट ऑफ कर दो, जो हम लोग नॉर्मली अकाउंटेंसी में करते हैं सर। तो हेल्ड एज द ऑफर वॉज नॉट मेड टू बॉल्टन, देयरफॉर देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बॉल्टन एंड जॉन्स, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, बॉल्टन ने गुड सप्लाई कर दिया था किसको, जॉन्स को, बॉल्टन ने गुड सप्लाई कर दिया था जॉन्स को, और फिर जॉन्स बोल रहा है कि भाई मैं तो ऑर्डर दिया था ब्रोकलहार्ट को, मैं तुम्हें क्यों पैसा दूंगा, तो मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट बोला हाँ भाई ये तो सही है, स्पेसिफिक ऑफर था तो एक्सेप्टेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज ये ऑफर ही स्पेसिफिक था, तो स्पेसिफिक ऑफर ही एक्सेप्टेंस, ऑफर में एक्सेप्टेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज वहां पर स्पेसिफाई करके रखा था भाई कौन होगा, बात कुछ समझ में आ रहा है सर?
हाँ, ये बॉल्टन जोन्स और बॉकोलाट का केस हम लोग पहले भी ऑफर के टाइम पे पढ़े थे, फिर से एक बार पढ़ लिए, बात समझ में आ गया ना। तो यही केस हुआ था 1857 में, और उसके बाद से लॉ ने भी सोच लिया, बिकॉज देखो सर लॉ में हर चीज अपडेट होता रहता है, बिकॉज अपडेट क्यों होता रहता है, रियल लाइफ में केसेस चलता रहता है, और उस केस के ऊपर बेस करके, केस के ऊपर बेस करके मतलब एक्ट में भी बदलाव आता रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो लॉ एक बार बन गया वो बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। हाँ, समय के साथ हर चीजें बदलते हैं, समय के साथ हर चीज बदलते हैं। आपको एक थोड़ा सा और बात करूँ आज, थोड़ा सा ना कैसा पता नहीं, एक मतलब बहुत सारा चीज आज दिमाग में चल रहा है, जैसे ये लॉ बदलता रहता है, इसके ऊपर बेस करके मेरे को ना एक स्पिरिचुअल बात याद आ गया। सर हम लोगों को स्पिरिचुअल चीजें नहीं सीखना है, मारे मत सीखो स्पिरिचुअल चीजें। सर ये चीजें अपडेट के बारे में एक गजब बात याद आ गया, आप लोगों से शेयर करना चाहिए मुझे। सर आप लोग इनके इनके बारे में सुने हो सर, रामकृष्ण परमहंस, अरे स्वामी विवेकानंद का जो गुरुदेव थे, जानते हो, जिसके कारण लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल विजिट करते हैं। सर दक्षिणेश्वर टेम्पल जो भी कलकत्ता आते हैं, है ना, वो भी कलकत्ता आते हैं बाहर से हो, और जो कलकत्ता में रहते हैं वो एक बार जरूर विजिट करते हैं, है ना। तो एक्चुअली आपको मैं एक कहानी याद दिलाता हूँ ये अपडेट के बारे में, पुराना बात है बट गजब बात है। ये बात जो है सर ये बहुत पुराना बात है बट एक्चुअली ये स्पिरिचुअल लेवल में है। ये एक्चुअली ये बात ना सर थोड़ा अलग है बट ये रियल है सर। ये देखो सर, आप लोग विद्यासागर के बारे में सुने हो सर, विद्यासागर जो एक्चुअली बहुत फेमस है सर, इन्होंने ही एक्ट बनाया था सर। हाँ, विद्यासागर बंगाल के लिए नहीं सर, पूरा भारत के लिए काम किया था, मेनली उसका जो एरिया ऑफ वर्क था इन बंगाल, बट इन्होंने जो भी किया था फॉर द इंडिया, विद्यासागर बंदोपाध्याय के नाम से जाने जाते थे सर। बहुत जगह में आप इनका इमेज भी देखे होंगे विद्यासागर जी का। ये एक्चुअली ग्रेट रिवोल्यूशनरी थे, स्पेशली सोशल मैटर पे, जैसे बच्चे लेवल मतलब बहुत छोटा छोटा बच्चा का बचपन में शादी हो जाता था, तो विडो मैरिज, विडो का मैरिज फिर से, मतलब अगर ऐसा नहीं कि एक बार आप विडो हो जाओगे, 5 साल की उम्र में शादी करते हो तो उसका फिर से शादी करवाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक 5 साल की उम्र में पुराने जमाने में शादी हो जाता था, तो फिर उसका शादी नहीं हो सकता क्या? बाल विवाह को, हाँ वो चाइल्ड मैरिज को रोकना, विडो का फिर से शादी करवाना, ये सब बहुत ही रिवोल्यूशनरी मैटर में काम इन्होंने किया था। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये सब चीजें इंडिया में लाया था, मजाक नहीं कर रहा, वो भी ब्रिटिश पीरियड में। इंडिया का जो सोशल प्रॉब्लम था ये सब चीजों के ऊपर उन्होंने एक्ट लाया था, इसलिए मेरे को थोड़ा याद आ गया। लॉ पढ़ रहे ना सर, इसलिए लॉ का थोड़ा पुराना बात याद आ गया। तो जो भी हो, अभी मैं आपको वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये रामकृष्ण परमहंस एक्चुअली ये रियल इमेज है, ये जो इमेज आप देख रहे हो ना सर, ये रियल इमेज है। विद्यासागर जी के घर पे रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, बेसिकली पागल बोलते थे लोग इनको, ये एक्चुअली इनके घर में विजिट किए थे। एक्चुअली इनको ना मतलब नॉलेज का सागर माना जाता था, मतलब ज्ञान का सागर ऐसे बोला जाता था कि विद्यासागर जी बहुत ज्ञानी है। तो विद्यासागर जी ना इतना सारा सोशल वर्क करता था बट सोसाइटी ना इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो रामकृष्ण जी ऐसे ही इनको इनके साथ मिलने के लिए सोचा था कि भाई मैं एक बार अगर मुझे मौका मिले तो मैं विद्यासागर जी से मिलूंगा। तो विद्यासागर जी बहुत सारा किताबें पढ़ के रखे थे, मतलब इतना नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब ऐसा कोई किताब नहीं था जो उन्होंने पढ़ा नहीं था, चाहे वो हिंदू स्पिरिचुअल किताबें हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियन का हो, या फिर नॉर्मल जो नॉलेजेबल बुक्स होते हैं, सारा का सारा पढ़ के रखा था। पर फिर भी उनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी समाज में सुधार नहीं आ रहा है, समाज में जो लोग सो कॉल्ड एडुकेटेड है उनके पास मैं एक्सेप्टेड नहीं हो रहा हूँ, उल्टा गाली मिलता है, थप्पड़ मिलता है, यही होता है, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी इनको सिर्फ गाली ही पड़ता था, सिर्फ गाली, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। तो ये बहुत बेचैन हुआ करते थे। तो एक्चुअली रामकृष्ण जी देव जी ना सर बहुत फेमस, मतलब बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु थे सर, बहुत फेमस, इनके बारे में दुनिया जानता है। तो इन्होंने इनका ना हर चीज इतना नॉलेज था स्पिरिचुअलिटी पे, मतलब किसी भी इंसान के बारे में वो आंख मुंह देख के समझ जाता था। ऐसे विद्यासागर जी ना उम्र में बड़े थे रामकृष्ण से, तो एक्चुअली एक बातचीत चल रहा है तो फिर विद्यासागर जी इनको बोल रहे कि इतना सारा किताब में गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, उस किताब में वो लिखा है। तो इन्होंने गजब बात किया, किसने जानते हो, रामकृष्ण देव। एक्चुअली विद्यासागर जी जवाब ढूंढ रहे कि मैं इस किताब पढ़ा हूँ, यहाँ पर ये लिखा है, पर मुझे जवाब समझ में नहीं आ रहा है। तो रामकृष्ण देव क्या जवाब दे रहे जानते हो, रामकृष्ण बोल रहा है कि एक बंगाली में बहुत टिपिकल बंगाली में बोलते हैं, बोलते सबकिछ एटो होएगा छे, एटो होएगा छे मतलब
वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना मतलब झूठा हो गया, ओके मतलब कोई खा रहा है तो उसका खाना क्या हो जाता है, झूठा हो गया ना। तो वही एग्जैक्टली बोल रहे कि जो भी चल रहा है समाज में ये झूठा हो गया है या एठो है, मतलब एठो हो गया मतलब कोई खा लिया। जरूरत पड़ने से सब चीज बदलना पड़ता है ना। जो सदियों से चले आ रहे हैं वही है सच, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर विडो मैरिज को चेंज करने का क्या जरूरत था आपको, एकदम उनके सामने बताया। तो जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि जो 2000 साल पुराना बातें हैं वो आज उतना ही एक्सेप्टेबल हो, उसके अंदर भी समय के साथ चेंजेस लाना जरूरी है। तो आप भी कुछ ऐसा सोचो। तो इनका जवाब देने का ढंग थोड़ा सा इलिटरेट टाइप का था। अरे उगलो सब एटो होएगा छे किछु नूतन भावो, मतलब कुछ नया सोचो, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे थे रामकृष्ण जी का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। विद्यासागर जी को भी ना इतना नॉलेजेबल पर्सन थे, ये इलिटरेट थे सर, पढ़ा लिखा नहीं था, किसी भी तरह का डिग्री कुछ नहीं था, एकदम इलिटरेट था, पागल एक मूर्ख ब्राह्मण थे जो बस काली काली करता था, मतलब पूजा करते थे। विद्यासागर जी जैसे इतना नॉलेजेबल पर्सन को समझा दिए थे उस एक बात पे कि सब कुछ एठो हो गया है, आप कुछ नया सोचो तो आपको कुछ नया जवाब मिलेगा। एग्जैक्टली लॉ का अमेंडमेंट ऐसे ही होना चाहिए ना सर, ऐसा नहीं कि 1872 में कुछ लिख दिया तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं, समय के साथ साथ चेंजेस करते रहो। जैसे विद्यासागर जी ने कहा ना, किया ना, विडो का रीमैरी करना है, इवन अपने बच्चे के साथ शादी करवाया था, जानते हो आप लोग, अपने बेटे के साथ विडो का शादी करवाया था, बिकॉज समाज नहीं मान रहा था। तो समाज ने बोला कि भाई तो फिर सबसे पहले अपने ऊपर करो, बोले देखो मैं तो नहीं कर सकता लेकिन मेरा बेटा से मैं करवाऊंगा। तो अपने बेटा से शादी करवाया था ताकि समाज को जवाब दे सके कि यस देखो मैं अपने घर पे करके दिखाया, तब जाके एक्ट पास हुआ। उसके बाद मतलब चाइल्ड मैरिज आज भी होता है हमारे देश में, बात कर रहा हूँ सर 1850 का, आज है 2021, समझ रहे हो सर। तब आज भी नहीं सुधरा समाज, इतना दिन हो गया, जो भी हो। यस सर, पंजाब और राजस्थान में फिर से आ गया वो एक्ट। यस सर, अभी भी हो रहा है, आजकल थोड़ा अलग लेवल पे हो रहा है बट आज भी है। ऐसा नहीं कि मतलब क्या बताऊं सर आपको, समाज में जरूरतें समय के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं और समय के साथ साथ एक्ट भी चेंजेस होते हैं इसी कारण, ठीक है। स्पिरिचुअल जो मैटर हो ना सर, पुराने जमाने में एक्चुअली एक्ट नहीं हुआ करता था, पुराने जमाने में ये स्पिरिचुअल जो होते हैं ना, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अरबियन नेशंस में कुरान हुआ करता था, हमारे देश में गीता हुआ करता था, क्रिश्चियन कंट्रीज जो स्पेशली यूरोपियन नेशंस में बाइबल हुआ करता था, ये एक्चुअली एक्ट हुआ करता था। बाद में यही सब जगह से अलग अलग लेवल के लिए एक्ट को अलग से बनाया गया, तभी जाके वो एक्ट बन गया, एक अलग लेवल में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सोशल मैटर में चला गया। बस यही तो बात है, बात को समझो तो इतना ही है, अगर नहीं समझो तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। चलो सर, एक छोटा सा बात याद आ गया कि अमेंडमेंट के बारे में। तो ये अमेंडमेंट के बारे में मेरे को शिक्षा मिला था बचपन में, जब मैं ये कहानी पढ़ा था, मतलब तब मैं क्लास 5 में पढ़ता था, ये रामकृष्ण और विद्यासागर का कहानी मैं तब पढ़ा था। तो बाद में जब मैं लॉ का किताब पढ़ना चालू किया, मतलब CA पढ़ने के टाइम पे, MBA करने के टाइम पे, तब मेरे को पता चला अच्छा ये वही वाला बात है कि अमेंडमेंट क्यों लाया जाता है। सर आप लोगों को कहानी अच्छा नहीं लगा ना, जमा नहीं सर, हाँ ओल्ड एज कहानी अच्छा लगा सर। अच्छा लगा सर, सब ओल्ड एज कहानी सुन के आप लोग शायद सोच रहे हो कि सर ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई मतलब क्या बोलते हो सत्संग में आ गए होंगे, हाँ अरे नहीं सर, कोई सत्संग नहीं है, लॉ की बात है। चलो छोड़ो सर। अच्छा हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहे सर, बोलो। ईश्वर प्रेम विद्यासागर एक मूवी है ना, ओल्ड मूवी। हाँ हो सकता है सर, है बहुत सारा मूवी है, आप चाहो तो देख सकते हो, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत सारे मूवीज है सर, इन्होंने बहुत गजब काम किया सर। इनसे ये एक्चुअली इनका गुरु कौन थे जानते हो, विद्यासागर जी का मतलब गुरु एग्जैक्टली नहीं थे बट इंस्पायर्ड थे राममोहन रॉय से। आप लोग राममोहन रॉय के बारे में सुने होंगे, राममोहन रॉय एक्चुअली जो काम कर नहीं पाया था वो काम एक्चुअली विद्यासागर जी कर लिया था। सुने होंगे आप लोग राममोहन रॉय के बारे में, अरे राजा राममोहन रॉय, यस राममोहन रॉय ये सब चीजें शुरू किया था बट कुछ कर मतलब पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। विद्यासागर जी ने पूरा एकदम पूरा इंडिया भर में फैला दिया था, ब्रिटिश को, ब्रिटिश के अंडर में रह के, ब्रिटिश लोग तो बात मानता नहीं था ना, वो लोग इंडियंस के लिए कुछ करना नहीं चाहता था। बट उस पीरियड में मैं देखो एक्चुअली मुझे ये सब 1857 में ये सब इंग्लैंड में चल रहा है और इंडिया में विद्यासागर जी वो सब कर रहा है, समझ रहे हो सर। ये लोग उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम लोग सोशल एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं। जमाने जमाने की बात है सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
इन केस ऑफ ए जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ ऑफर. अच्छा अब देखो स्पेसिफिक से खत्म हो गया सर, स्पेसिफिक से जनरल पे आ जाओ. ठीक है, जनरल ऑफर क्या हो जाता है, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर. ठीक है, मतलब जनरल किसी के लिए भी हो सकता है. कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल 1893. अरे सर इन्फ्लुएंजा वायरस का दवाई क्या रे, आज जैसे हाँ सर 100 यस सर थैंक यू. ठीक है, मतलब आज जैसे कोरोना का चल रहा है वैक्सीनेशन, ये कार्बोलिक स्मोक बॉल का एक ऐसा ही वैक्सीन टाइप का, नॉट वैक्सीन. हाँ बोलो सर, इनहेलर टाइप. ठीक है, तो वो इनहेलर लेके अगर किसी का इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी उसको पेमेंट करेगा. £100 का. बहुत जोर से हवा चल रहा है. ओके वैसे 10000 टका था सर अखंगत जुगे. नहीं £100 मतलब 10000, पागल हो गया तू. £100 आज, £100 एक सेकंड रुक, £100 टुडे, £100 इन रुपीस, एक सेकंड रुक, £100 मतलब 10,000 इंडियन रुपीस इन टुडे, मतलब उस टाइम पे कितना वैल्यूएशन होगा उसका, आप समझ सकते हो? वही समय वैल्यूएशन अलग है, हमें आज के वैल्यूएशन में इतना जो 10,000 है. हाँ आज के डेट में तो वही है. ओके ये कार्लाइल वर्सेस स्मोक बॉल जो था, मतलब बेसिकली ये लेडी कार्लाइल जो थे, ठीक है, मिसेस कार्लाइल, इन्होंने एक्चुअली कार्बोलिक स्मोक बॉल का जो ऑफर था वो ऑफर अल्टीमेटली उनको एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था और वो कंपनी को जाके बोला कि भाई मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया है आफ्टर यूजिंग योर कार्बोलिक स्मोक बॉल का जो इनहेलर था, तो कंपनी को उसको देना पड़ा जो भी था उसका केस. आप चाहो तो डिटेल्स केस देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था विकिपीडिया में भी इसका डिटेल्स केस स्टडीज है सर. अच्छा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. चलो सर गजब बात है, फिर से गजब बात, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. सर ये अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर क्या जानते हो? हाँ अनक्वालिफाइड नॉर्मल मतलब ऐसे होते हैं कि जो क्वालिफाई नहीं कर सकता है ना, बट अनक्वालिफाइड का लॉ में और एक मतलब होता है, मतलब विथ लिमिटेशन. ठीक है विथ लिमिटेशन मतलब जिसमें कुछ रोक टोक होता है. ठीक है तो अनक्वालिफाइड मतलब रोक टोक छोड़ के. ठीक है विदाउट एनी लिमिटेशन, विद लिमिटेशन नहीं सर, एक्चुअली विदाउट एनी लिमिटेशन. बात को समझिएगा सर, ये अनक्वालिफाइड वर्ड ऑडिट में लॉ में बहुत यूज होता है. ठीक है अनक्वालिफाइड मीन्स विदाउट एनी लिमिटेशन, जब कोई लिमिटेशन ना हो. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड विदाउट एनी लिमिटेशन बेसिकली. तो एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एक्सेप्टेंस इज वैलिड ऑनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. जैसे बोला गया है, if the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. जैसा बोला गया है अब वैसे accept करो, जैसा बोला गया है वैसे accept करो. आप अपने मर्जी से accept करोगे तो शायद नहीं चलेगा. ठीक है जैसे कि यहाँ पर एक हुआ था, M offered to sell his land to N for £280. Okay, M ने N को offer किया कि भाई मैं अपना जमीन तुमको £280 में देना चाहता हूँ. इन रिप्लाइड परपोर्टिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज अ चेक फॉर £80. वो ऑफर को एक्सेप्ट किया बट £280 नहीं दिया, £80 का एक चेक ट्रांसफर किया एंड बोला कि ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑफ £200 बाई मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ £50 ईच. चलेगा सर? एम ने बोला एन को तो सेल करेगा अपना जमीन £280 में, एन ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके £80 का चेक अभी दे रहा है और बाकी £200 का चेक वो £50 करके पर मंथ करके देगा. क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा? क्या लगता है एन का ये एक्सेप्टेंस वैलिड लग रहा है क्या? नो नहीं सर, ये एक्सेप्टेंस वैलिड कैसे होगा? उसने बोला £280 में. हाँ अगर एम बोलता कि मैं इंस्टॉलमेंट लूंगा तो फिर शायद हो सकता है, बट यहाँ पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. आप अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट बना लिया ऐसे थोड़ी ना चलेगा. इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन. ओके मतलब एक्जैक्टली एब्सोल्यूट नहीं था. ये केस हुआ था नियल वर्सेस मेरेट का 1930 में, WN केस नंबर 189. ठीक है तो इस तरह का केसेस पहले भी हुआ है कि जिस तरह से एक्सेप्टेंस करना चाहिए जैसा बोला गया है वैसे एक्सेप्ट करो. अपनी मर्जी से क्या एक्सेप्टेंस कर रहे हो? नहीं ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है नहीं वो बोल रहे नहीं मैं £280 तो दे रहा हूँ, इनका मानना है कि मैं £280 तो दे रहा हूं बट अपने मर्जी से नहीं, अपने मर्जी से नहीं होगा. ठीक है
जैसे आपको बोला जाएगा आपको वैसा करना पड़ेगा। यार यहाँ पर कुछ बोला नहीं था तो आप ऐसा नहीं कि आपने मर्जी से खुद को लगा कि भाई अभी मैं 80 पाउंड दे देता हूँ, बाकी 200 पाउंड मैं $50 करके पर मंथ का चेक दे दूंगा, कुछ भी थोड़ी ना ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं चलता। ऐसा बात समझ में आ रहा है ना साहब? दूसरा आप एक एग्जाम्पल है देख सकते हो, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 lakh, बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे ₹80,000 फॉर इट। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 lakh, बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट। क्या सर ये एक्सेप्टेंस हुआ? द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाई बी एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड इज प्रिपेयर टू पे 1 lakh, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इट इज अप टू ए वेदर इट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बाहूलाल, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1968, बॉम्बे 294। समझ में आ रहा है? 1968 का केस है। ए ने ऑफर किया बी को, भाई मैं अपना जमीन 1 lakh पे तुम्हें बेचना चाहता हूँ। बी बोला कि मैं इसके लिए 80,000 देना चाहता हूँ। सर एक चीज सोचो, लास्ट क्लास हम लोग जब काउंटर ऑफर पढ़े थे, काउंटर ऑफर कैसे होता है? आपने एक बार बोला, एक आपको ऑफर किया गया 1 lakh का, जैसे आप दुकान में जाके बार्गेन करते हो ना। अरे सर आप दुकान में जाके बार्गेन के बारे में, इसे दूधिक तक ऑफर जाके बोला हच्छे ये एक्चुअली तक एक जन ऑफर दीचे और एक तक एक जन ऑफर दीचे रिसेट एक्सेप्ट है तो वैसे तो एक्सेप्टेड दिख जाए। दिस इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेंस। जब इधर तो एक्सेप्ट होच्छे ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते इसको, ठीक है? जैसे काउंटर ऑफर हो गया, हां ये बार्गेन चल रहा है ना। जैसे एस्प्लैनेड में आप या गोड़ियाहाट में गए हो सर, ठीक है? एस्प्लैनेड या गोड़ियाहाट में गए हो, ठीक है? जैसे ग्रैंड होटल के नीचे एस्प्लैनेड में ना गजब का मार्केटिंग चलता है सर, मतलब बार्गेन चलता है। अगर आप लोग कभी गए होंगे ये वाला एरिया, कभी गए हो क्या? हाँ सर, इट्स अ फेमस बार्गेन प्लेस, ठीक है? ग्रैंड होटल के नीचे, हाँ गए हो ना सर? एग्जैक्टली, तो गजब का बार्गेनिंग होता है सर। मेरे को बचपन में एकदम समझ में नहीं आता था, मेरा बार्गेन पावर बहुत खराब है। मैं तो 2 बार चिल्ला दिया ना तो मैं अच्छा ठीक है बोल के पैसा दे के आ जाता हूँ। मेरा मतलब ऐसा ही हालत है मेरा, ऐसा भीड़ भी होता है ग्रैंड होटल के नीचे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये ग्रैंड के नीचे जैसे बार्गेन चलता रहता है ना, तो जैसे मानो दुकानदार ने बोला कि भाई 150, ठीक है 150 करके टी शर्ट बिक रहा है, तो इसने बोला 150, आपने बोला 100 नहीं होगा, ठीक है? तो जब आपने 100 बोल दिया तो क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, आपका 100 मतलब एक्सेप्टेंस नहीं, दिस इज योर काउंटर ऑफर। तो अगर वो 100 में माने या ना माने उसके ऊपर है, तो ये एक न्यू ऑफर क्रिएट हो गया। काउंटर ऑफर मतलब एक न्यू ऑफर क्रिएट हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है सर। बात समझ में आ रहा है ना सर? ये हम लोग प्रीवियस क्लास में इस पर्टिकुलर मैटर में डिस्कशन किए थे, है ना? काउंटर ऑफर के बारे में डिस्कस प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे। यस, तो ये यही सेम केस हुआ था सर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहुलाल, ठीक है? ये वाला केस हुआ था, बड़ा फेमस केस था। तो बेसिकली वहां पर क्या हुआ था, 1 lakh का जमीन बोला था, तो उसने बोला कि मैं 80,000 में दूंगा। फिर 2 मिनट बाद वो अपना माइंड चेंज करके बोल रहा है, जैसे आप बार्गेन करते टाइम बोल रहा है, अच्छा ठीक है दादा 150 में दे दो, ऐसे बोलता है ना सर। मतलब उस एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानते हो ना, मार्केटिंग जब करने जाते हैं ना, कुछ लोगों के मन में ऐसा चलता है, अरे जो भी बोलेगा ना थोड़ा कम करके बोल देना। मतलब ऐसे बोलना चाहिए, बार्गेन है, बार्गेन कर, मतलब बार्गेन नहीं किया, मतलब ये एक आदत सा हो जाता है। नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए उसका नॉलेज नहीं है। मतलब मेरे टाइप का लोग मान सकते हो, हाँ इसने बोला 150, हाँ आपने बोला केम छो मतलब 100, ठीक है? इसने बोला 150, आपने बोला 100, मतलब चल रहा है। फिर आप बोल रहे हो कि भैया ठीक है 150, अब 150 में वो आपको देगा कि नहीं देगा ये डिपेंड करता है दुकानदार पे। आप बोलोगे सर अभी तो 2 मिनट पहले वो तो 150 बोल रहा था, तब तो दे देना चाहिए। हाँ सर, 2 मिनट पहले वो 150 बोला, आपने 2 मिनट बाद 100 बोला, आप फिर से बोल रहे हो ठीक है भैया 150 में दे दो, लेकिन अभी 150 में देगा कि नहीं देगा ये जिसका ऑफर था उस पर डिपेंड करता है। बात कुछ समझ में आया? क्यों बोलो तो ऐसा बात है, क्यों ऐसा क्यों होगा? उसने तो आपको बोला था 150, फिर जब आप 150 बोल रहे हो सेकेंड टाइम, क्यों नहीं देगा वो? कौन सा लॉ का? हाँ बोलो। क्योंकि इस टाइम ऑफर हमारे तरफ से गया है, उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं उसके ऊपर है। एक्चुअली देखो यहाँ पर ऑफर हमारे तरफ से गया है ये बात नहीं, एक्चुअली मतलब जब फर्स्ट ऑफर था ना उसके तरफ से 150 का, तो आपने बोल दिया था 100, तो इसका मतलब जैसे ही आपने 100 बोल दिया ना, ये 150 का जो फर्स्ट ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया, उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाता है।
फर्स्ट ऑफर उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाता है, और जैसे ये रिजेक्ट हो गया, जब सेकंड टाइप आप 150 का ऑफर दे रहे हो, तब आप ये सोच के दे रहे हो कि भाई आपने तो पहले 150 बोला था, बट आप नाउ जब सेकंड टाइम आपके तरफ से ऑफर जा रहा है, तो वो 150 वाला पुराना जो ऑफर है वो एक्चुअली रिजेक्ट हो चुका है। सर एटा तो नूतन ऑफर हो एक्सेप्ट हां एग्जैक्टली इट्स अ न्यू ऑफर, तो ये न्यू ऑफर आपके तरफ से भी है और एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये दुकानदार या ऑफरर पे डिपेंड करता है, दुकानदार या ऑफरर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी वही केस हुआ था सर, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर नहीं, जैसे बचपन में हम लोग ऐसे बोलते थे ना, नहीं 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 उन्हें उसने पहले बोला था 100 में देगा, फिर मैंने जब 80 बोला उसने ना कर दिया, फिर मैंने जब 100 बोला तब वो ना कर दिया, क्यों, उसने तो बोला था ना 100 में देगा, झगड़ा करने लगोगे क्या? बचपन में ऐसे झगड़ा करते थे ना हम लोग, अरे चाइल्डहुड में इस तरह का झगड़ा हम लोग करते थे, नहीं तू बोले चीज 100 टका दी, हाँ तू बोले चीज 100 टका दी, या क्या ना बोलचीस, हमें बोलते ही परी 80 टका, हमें बोलते ही परी 80 टका। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, इस तरह का झगड़ा मैंने रस्ते में बहुत लोगों को करते हुए देखा है, ठीक है, लेकिन देखो सर कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहा है, यस जब तुमने 80 बोल दिया ना, एक्चुअली पुराना ऑफर खत्म हो गया, अब न्यू ऑफर में काम होगा, अब न्यू ऑफर में वो आपको देगा नहीं देगा उसकी मर्जी, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके चलो, तो द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाई बी एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड, बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड प्रिपेयर्ड टू पे 1 lakh, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इट इज अप टू ए वेदर इट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। फेमस केस हुआ सर इसके ऊपर। अरे सर क्या गजब गजब कहानी है सर। ओके, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, ए इंक्वायरीज फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 lakh, इंक्वायरी कर रहा है बी से, ए इंक्वायरी कर रहा है बी से, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 lakh, क्या तुम मेरा गाड़ी 2 lakh में लोगे? इफ बी रिप्लाइज आई शेल परचेज योर कार फॉर 2 lakh इफ यू बाई माई मोटरसाइकिल फॉर ₹50,000, यस मैं तुम्हारा कार ले सकता हूँ 2 lakh में, लेकिन अगर तुम मेरा मोटरसाइकिल 50,000 में लेते हो, एक्सेप्टेंस हो गया क्या ये? अरे आई शेल परचेज योर कार फॉर 2 lakh इफ यू बाई माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000, इज दिस एक्सेप्टेंस? नो सर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, दिस इज अनदर काउंटर ऑफर ना। अरे दिस इज अनदर काउंटर ऑफर, तो हियर बी कैन नॉट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब तुम एक तरफ बोल रहे हो कि हाँ मैं लूंगा, बट तुम बोल रहे हो कि मैं मुझे बट ये न्यू ऑफर है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है, बिकॉज आप कंडीशन लगा रहे हो ना, एब्सोल्यूट नहीं हो रहा है बात एब्सोल्यूट होना चाहिए ना, एब्सोल्यूट नहीं हो रहा है, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। हियर बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। In the other hand, B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to availability of valid registration certificate. है ना? हाँ भाई, अगर B ऐसा बोलता, बात को ध्यान से सुनिएगा सर, अगर B ऐसा reply देता, yes, I shall purchase your car, अगर तुम्हारा valid registration certificate है तो, ऐसे होता है ना सर, गाड़ी का valid registration होना चाहिए, गाड़ी, जमीन, कोई भी asset, property खरीदने के time पे क्या देखना चाहिए सर, उसका original registration certificate, यही ना? आप किसी का जमीन खरीदने जाते हो, वो बोल दिया कि भाई ये जमीन मेरा है क्योंकि यहाँ पर अभी करेंटली मैं खड़ा हूँ, तो तुम मेरे को 5,05,000,000 दो और ये जमीन लेके जाओ, थोड़ी ना पैसा दे दोगे सर, क्या मंगवाओगे? कागज पत्र एग्जैक्टली, किसी गाड़ी के सामने खड़े होके बोलते हो नहीं ये गाड़ी मेरा है, चलो क्योंकि गाड़ी में मैं बैठा हूँ तो गाड़ी मेरा है, अभी 5 lakh दो और गाड़ी लेके जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब तो हर एक ड्राइवर जो गाड़ी लेके निकलते हैं मालिक का, वो बोलेगा गाड़ी मेरा है और गाड़ी किसी को भी बेच देगा। अरे तब तो हर ड्राइवर किसी ना किसी को गाड़ी बेच देगा क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो गाड़ी मेरा है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो क्या चेक करोगे? प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बुक फॉर द कार, देन एक्सेप्टेंस। ये बोल सकता है बी अगर ऐसा रिप्लाई देता, यस आई शैल परचेज योर कार फॉर ₹2 lakh इफ यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन, दिस इज नॉट कंडीशन एग्जैक्टली, ये कोई काउंटर ऑफर नहीं है, ये काउंटर ऑफर नहीं है, लॉजिक है ना सर बात में, एकदम लॉजिक है, दिस इज नॉट काउंटर ऑफर, ये एकदम लॉजिक है। देन द एक्सेप्टेंस इज इन प्लेस दो द ऑफर कंटेन्ड नो मेंशन ऑफ आरसी बुक, दिस इज बिकॉज एक्सपेक्टिंग अ वैलिड टाइटल ऑफ द कार इज नॉट अ कंडीशन, है ना, ये कोई शर्त नहीं है, है ना, ये तो एक नॉर्मल लॉजिकल बात है भाई, गाड़ी है तुम्हारा कैसे पता चलेगा, ये कोई कंडीशन थोड़ी ना हुआ, ठीक है, कार का टाइटल का वैलिड टाइटल का कागज लेना ये कोई कंडीशन नहीं हुआ, देयरफॉर द एक्सेप्टेंस इन दिस केस इज अनकंडीशनल। ओके, एक्सेप्टेंस इन दिस केस इज अनकंडीशनल, तो ये सब बातें थोड़ा याद रखिएगा सर, ठीक है, कब किस केस में एब्सोल्यूट होगा, कब किस केस में एब्सोल्यूट नहीं हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये था एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. दो केस पढ़ लिया यहाँ पर हम लोगों ने, नियल वर्सेज मेरिट का एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बाहुलाल ऑल इंडिया रिपोर्ट. ओके ओके. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, ऐसे तो हर चीज कम्युनिकेट होना चाहिए, है ना. मतलब बेसिक बात है, प्यार है तो जताया करो. हाँ सर, अगर किसी को प्यार करते हो तो जताना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर मन ही मन में प्यार रख के मर जाओगे, क्या करोगे सर? बोल दोगे ना सर किसके दुख की. हाँ बोलो, कुछ बोला आपने सर? जताएंगे जताएंगे. हाँ यहाँ सर जताना पड़ेगा, अगर प्यार है तो जताया करो, बेसिक बात है सर. ठीक है, तो वही है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ठीक है, नहीं तुमको समझ लेना चाहिए था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. अरे ये सब मूवीज में चलता है, है ना, रियल लाइफ में थोड़ी ना चलेगा, और बिजनेस डील में तो हरगिज नहीं चलेगा. मानो कि तुम दुकानदार के सामने जाके खड़े हो, मिठाई दुकान के सामने, तो तुम सोच रहे हो कि अभी दुकानदार तुमको पूछेगा कि हाँ बेटा क्या मिठाई लेना है. हाँ ऐसे थोड़ी होता है हमेशा, जो भी तुम्हें चाहिए बोलो, जताया करो, कम्युनिकेट करो, फिर दुकानदार आपको वो वाला मिठा देगा, है ना. थोड़ी ना हर कोई पड़ोस का चाचा होता है क्या कि भाई तुम दुकान में जाओगे तो तुमको एकदम आदर सत्कार के, क्या रे बेटा, हाँ क्या रे चिंटू, क्या चाहिए, ऐसे थोड़ी ना करेगा हर कोई तुमको. हाँ हाँ, सब पड़ोस की चाचा वाला तो चाचा या अंकल थोड़ी नहीं होंगे, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है सर. हाँ सर क्या बात करते हो, लॉ पढ़ा रहे हो कि पड़ोस की दुकानदारी समझा रहे हो? सर यही तो है लॉ. टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म. ऐसा कुछ बोलो जो परसेप्टिबल है, जैसे कि एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस. सच कंडीशंस हैज टू मटेरियलाइज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. फर्दर, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, द ऑफरर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम. इफ इट डज नॉट हैव द नॉलेज, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस. मतलब वेट कर जाओ, मतलब अभी समझाते हैं. The acceptance must relate specifically to the offer made, then only it can materialize into a contract. The above points will be clearer from the following example. चलो सर example देखते हैं और matter को समझ लेते हैं. Famous case, again another famous case है सर, Brogden versus Metropolitan Railway Company 1877 का case है. ओके, वही यूके वाला टाइप का केस होगा. ठीक है, Brogden versus Metropolitan Railway Company. क्या हुआ था सर? सर कुछ नहीं, सुनो तो, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, बस यही बात है. बी अ सप्लायर सेंट ए ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी. बी अ सप्लायर सेंट ए ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी. बेसिकली रेलवे कंपनी को बोला कि भाई कोल सप्लाई करना है. ठीक है, मेट्रोपोलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस. ओके, द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव. मैनेजर ने क्या किया, अप्रूव कर दिया on the same. ठीक है, जैसे वो ड्राफ्ट भेजा, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ रेल के थ्रू से कोल आपके फैक्ट्री में पहुंच जाएगा. ठीक है, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया. किसने? रेलवे कंपनी के मैनेजर ने, मेट्रोपॉलिटन रेलवे ने. बट एक्सेप्टेंस अप्रूव करने के बाद जो पेपर था ना सर, वो पेपर ड्रायर में डाल दिया. क्या करना चाहिए था? अप्रूवल रिपोर्ट बी को भेज देना चाहिए था ना. अरे अप्रूव कर दिया तो फिर उसको भेजना चाहिए ना. जैसे मानो आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, बट इंस्टीट्यूट को आपने सेंड नहीं किया एग्जाम फॉर्म, तो इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलेगा कि तुम एग्जाम फॉर्म फिलअप किए, है ना. आजकल ऑनलाइन सबमिट करते हैं, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, फिलअप करने के बाद क्या उसको घर में रख दोगे क्या? हाँ नो सर, बात समझ में आया ना. तो उसको सेंड करना है ना इंस्टीट्यूट जो एड्रेस दिया है आपको, है ना. तो एग्जैक्टली वही बात है, तो आप ड्रायर में थोड़ी ना रख दोगे. नहीं मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, इंस्टीट्यूट फॉर्म दिया था, मैंने तो फिलअप कर दिया. अरे भाई तुम फिलअप कर दिया बहुत अच्छा है, बट क्या अपने ड्रायर में रखने के लिए? तो बेसिकली वही केस हुआ था यहाँ पर. पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रायर ऑफ द टेबल इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर्स फॉर ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप. कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करना था बाई एन ओवरसाइट ऑफ द ड्राफ्ट एग्रीमेंट, क्योंकि ये ओवरसाइट हो गया ना, क्योंकि आपने ड्रायर में डाल दिया और आपने मन ही मन में सोच के रखा रेलवे कंपनी ने कि भाई मैंने तो अप्रूव कर दिया. Held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B. Approval तो दे दिया था, stamp लगा दिया था sir, but मुश्किल क्या हो गया? Communication नहीं हुआ. बात समझे? मतलब वही बात, ऐसा हो गया कि हम उसको पसंद करते हैं तो बोला नहीं, पसंद करते ही रह गया. बात समझे? हाँ सर,
कम्युनिकेशन करेंगे तब ना पता चलेगा, हाँ ना कुछ तो होगा। ये केस हुआ था सर, ठीक है, ब्रॉकडेन के केस में हुआ था। वेर एन ऑफर मेड बाई इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैनॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस देयर टू। ठीक है, व्हेन ऑफर मेड बाई द इंटेंडेड ऑफरी, ऑफर किया गया ऑफरी को विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड, मतलब ऑफर कर रहे हैं इसका भी नॉलेज नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये भगवान दास वर्सेज गिरिधरी लाल का केस है, मैं आपको इस केस के बारे में आगे बात करूंगा। ठीक है, भगवान दास गिरिधरी लाल का केस आगे बात करूंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ केस को। ये मेयर वेरिएशन इन दी लैंग्वेज इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इफेक्टिव। जैसे यहाँ पर देखो सर, एग्जाम्पल देखो, ये देखो मैं सिर्फ अकेला अपने मन से ना ये सब सोशल मैटर का या फिर लव मैटर में बात नहीं करता, एक किताब भी बताते आप लोगों को, इंस्टीट्यूट की किताब में भी ना ये सब चीजें लिख के देते हैं। देखो सर, ए प्रपोज टू बी टू मैरी हिम, ए ने प्रपोज किया बी को कि मैं तुम्हें शादी करूंगा। ओके, ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर दैट सी इज रेडी टू मैरी हिम। ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, प्रपोज किया था, बी इन्फॉर्म कर रहा है ए की बहन को। ओके, ए प्रपोज बी टू मैरी हिम, बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर दैट सी इज रेडी टू मैरी हिम। ओके, मतलब जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड की बहन को बता रहे कि यस मैं शादी करूंगा, और बहन जो है ना सर, ए की जो बहन है ना वो अपने भाई को बताए नहीं कि भाई तुमने जो प्रपोज किया था ना बी को, तो वो राजी है सर, ये बात बहन ने बताए नहीं। बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। समझे सर? अगर प्यार करते हो तो फिर, अगर मोहब्बत है तो जताया करो। याद रहेगा सर, मैं ये सब बातें क्यों करता हूं, बस आप लोगों को याद रहे, मतलब जब भी आप ये सब पॉइंट पढ़ोगे ना सर, ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट का छुटकारा इतना जल्दी नहीं मिलता है, फाउंडेशन में पढ़ना पड़ता है, इंटर में पढ़ना पड़ता है, ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट का जो यूज है ये बहुत देर तक चलता है सर, रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, बिजनेस डीलिंग्स जब एग्रीमेंट पेपर वगैरह में काम करोगे, ड्राफ्टिंग का काम करोगे, सीएस को तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, चार्टर्ड एंड सीएमए को भी ये सब चीज़ें यूज़ करना पड़ता है बिजनेस डीलिंग के टाइम पे, तो तब भी आपको ये सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, तो तब भी आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए, ठीक है, कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो जब केस में बनता है ना लॉ केस बनता है तब आपको ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। तो ये सब बस पढ़ने के टाइम पर थोड़ा सा याद करने के लिए मैं थोड़ा सा अपने मन में से थोड़ा फिल्मी टाइप का बात निकल जाता है कभी कभी लॉ पढ़ाते वक्त। ओके, अच्छा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब्ड मोड, एक्सेप्टेंस वैसा करना है जैसे बोला गया है, हाँ सर, प्रेस्क्राइब्ड मोड पे। मानो कि तुम्हारे लिए तुम किसी को वेट करने, मतलब तुम्हारा सपोज गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड, तुमको बुलाया बस स्टैंड में, तुम जाके खड़े हो गए रेल स्टेशन में, होगा सर, बस स्टैंड में वेट करने के लिए बोला था, तुम रेल स्टेशन में जाके वेट कर रहे हो, बात कुछ बनेगा क्या? नहीं ना, बस वही बात, ठीक है, जैसा जैसा बोला गया है, ऑफर जैसे किया गया है वैसे एक्सेप्ट करने का कोशिश करो, नहीं तो कैसे बनेगा? हाँ सर, जैसे ऑफर किया गया था वैसे एक्सेप्ट करने का कोशिश करो, ठीक है, मूवी देखने बोला था पार्क में जाके खड़े हो, मतलब या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तो फिर जो बोलते हैं उसको पता नहीं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब मोड, वेर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन दी प्रोपोजल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, बट इफ द प्रोपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रोपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर द प्रोपोजर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव कंसेंटेड टू द एक्सेप्टेंस। वेट, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब्ड एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, सर मैसेंजर है ना सर, जैसे अरे मैसेज, ठीक है, मैसेज को बोलते हैं, फेसबुक का होता है ना मैसेंजर टाइप का, तो कोई ऐसे ऐप है मैसेंजर टाइप या फिर जो भी हो, चिट्ठी भेजो समथिंग टाइप, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड द ऑफर इज सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, बोला था भाई चिट्ठी भेजने के लिए, वो ईमेल किया, क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा क्या? नॉट एक्सेप्टेड, नो सर, नॉट एक्सेप्टेड, आपको आपको मैसेंजर करने के लिए बोला गया था, आप ईमेल कर रहे हो, नहीं चलेगा, नहीं ये भी तो चिट्ठी है, अरे भाई जैसे बोला गया था वैसे करो, जैसे इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट मानो या फिर सीएस इंस्टीट्यूट बोलो या फिर सीएम इंस्टीट्यूट, ये आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सर, हम लोग के टाइम पे ना सर वो ऑफलाइन हुआ करता था, क्या करना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करके
इंस्टीट्यूट के वहाँ पर बेसिकली फॉर्म का जो पैसा होता था या फिर रजिस्ट्रेशन का पैसा ना ड्राफ्ट करना पड़ता था. क्या करना पड़ता था? ड्राफ्टिंग. ठीक है, ड्राफ्ट मतलब सर वो एक्चुअली मनी ऑर्डर बोलते हैं उसको, मतलब मनी ऑर्डर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, हाँ मनी ऑर्डर भी बोल सकते हो, ड्राफ्ट ऑर्डर या मनी ऑर्डर ऐसे बोल सकते हो. तो वो एक सेकेंड, तो इंस्टीट्यूट बताता था कि चेक एक्सेप्टेड नहीं है, ड्राफ्ट ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करते थे, ड्राफ्ट कैसे बनता है, डीडी बोलते हैं सर, डिमांड ड्राफ्ट. ठीक है, डीडी बोलते हैं, आजकल यूज नहीं होता ना तो भूल गया फुल फॉर्म. ये एक तरह का कैश ही है सर, चेक टाइप में बना जाता है, राह चलते किसी भी, ये पढ़ा जाता है नॉर्मली अकाउंट्स वगैरह में सिखा जाता है डिमांड ड्राफ्ट. राह चलते किसी भी बैंक में चले जाओ, बोलो कि मेरे को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जितना पैसे का डिमांड ड्राफ्ट बोलेगा वो डिमांड ड्राफ्ट के लिए बैंक में जमा करो, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और वो चेक टाइप का बना के आपको दे देगा और आपको इंस्टीट्यूट में जाके वो ड्राफ्ट जमा करना होता है. ठीक है, वो इंस्टीट्यूट उसको एनकैश कर लेगा. ठीक है, कैसे करना है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, तो इंस्टीट्यूट अपने अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल सब दे देता था. तो ये सिस्टम होता था. और हम क्या मतलब हम लोग अगर मानो कि इंस्टीट्यूट बोला डीडी करने के लिए, इंस्टीट्यूट बोला डीडी करने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट करने के लिए, हम बोले नहीं हम तो आपको चेक ही देंगे, हम तो आपको कैश ही देंगे. एक ही तो बात है ना, आपको तो 9000 लेने से मतलब है, तो आपको तो 20000 लेने से मतलब है, आप लो ना, हम चेक दे रहे हैं आपको, हम कैश दे रहे हैं आपको. नहीं, वो तो बोला आपको डीडी देने के लिए, यही कंडीशन है एडमिशन करने का. आप चेक लेके जाओगे, कैश लेके जाओगे, अगर उसका कंडीशन में नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा. क्या सर बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तो दोनों कर सकते हो, जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा. हर चीज में ही सिस्टम है. ऑफरर जैसे बताएगा आपको, अगर मंजूर है तो करो, अगर नहीं मंजूर है तो आगे बढ़ो. मतलब ठीक है चलो छोड़ो. अच्छा, जैसे आजकल कोई कोई सर ये अपना ममता दीदी ने बोला है ना सर, वो क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सुने हो ना सर आपको? जो भी हो, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है गवर्नमेंट का, जो भी हो अच्छा बुरा मैं उसमें बात नहीं करूंगा. तो जब से ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट बना है तो तब से कोई कोई गार्जियन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होगा तभी पढ़ाई करूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं पढ़ूंगा नहीं. तो कोई कोई फोन करके बताते कि क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, तो मेरे यहाँ पर तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं है, और इतना भी बहुत कुछ नहीं है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा. नॉर्मली जो लोग बेसिकली वो सो कॉल्ड जहाँ पर पढ़ेगा वहीं पर जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप टाइप में है वो सब कर सकता है. तो कॉन्सेप्ट है ना, तो सीएससीएम इंस्टीट्यूट भी नहीं करेगा मेरे हिसाब से, मैं जानता हूँ उन लोगों को, ये लोग ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो जो भी हो, तो कोई कोई मुझे पूछते हैं तो फिर गवर्नमेंट कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है ऐसा, थोड़ी ठीक है. तो मतलब ऐसा नहीं है, ये सबका अपना अपना है कि भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इट्स फुल्ली अप टू देम. ये सास्तो साथी कार्ड बीमा टाइप का है, गवर्नमेंट आपके लिए कर रहा है. अगर आपको कुछ कभी भी प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको कोई भी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में आपका जो खर्चा है वो खर्चा बेयर करेगा, कुछ अप टू 5 लाख ऐसा कुछ आप क्लेम मिल सकता है आपको. तो बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल है सर जो ये क्लेम मेंटेन नहीं करना चाहता, ठीक है, गवर्नमेंट का ये जो सास्तो साथी एक्सेप्शन. कोलकाता शहर में जो भी बड़े हॉस्पिटल्स है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हॉस्पिटल्स है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो अब थोड़ी ना बोल सकते कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, उसका है, उसका मर्जी, मैं ऐसे नहीं करूँगा. अब गवर्नमेंट अगर ज़बरदस्ती करेगा तो अलग बात हो जाएगा, बट ये स्कीम नहीं चल रहा है, मतलब ठीक ठाक हॉस्पिटल्स में तो नहीं चल रहा है, ठीक है. अब गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सब कुछ ऐसे ही फ्री में होता है ऑलमोस्ट, ठीक है. अब देखो कहाँ पर एक्सेप्ट करता है, कर रहा है सर, छोटा मोटा नर्सिंग होम में कर रहा है, जिनको पहले नर्सिंग होम का लाइसेंस नहीं मिल रहा था, अभी क्योंकि सस्ते सस्ते एक्सेप्ट कर लिया तो नर्सिंग होम का लाइसेंस भी मिल रहा है. तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सबका अपने ऊपर है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड. जैसे होगा मैं नहीं लूंगा स्वास्थ्य साथी, अब थोड़ी ना चिल्लाओगे नहीं सीएम ने बोला है, पीएम ने बोला है,
हाँ गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक है सर, आयुष्मान भारत। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल दिए कि भी मेरे को नहीं लेना है आयुष्मान भारत स्कीम से, मैं आपको नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें लिखा होना चाहिए कि कौन सा चीज़ वो एक्सेप्ट करते हैं, कौन सा चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करता है। या तो लिखा होना चाहिए या फिर मुंह पे भी बोलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, यू ऑल नो सर। अच्छा समझ में आ रहा है रे। टाइम सर, हर चीज का एक टाइम होता है ना, हर चीज का टाइम होता है। जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, टाइम होता है ना सर कि इतने टाइम के अंदर आप कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक हर चीज का टाइम होता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट इफ एनी एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड। सर अगर कहीं पर टाइम बोला हुआ नहीं है सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। सर रीजनेबल टाइम क्या होता है? एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस, ऑफर खत्म होने से पहले एक्सेप्ट कर लो। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम इज नोवेयर डिफाइंड इन द लॉ। लॉ में कहीं पर भी रीजनेबल के बारे में बोला नहीं है। दिस वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑन पर्टिकुलर केस, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। जैसे ए ऑफर टू सेल बी 50 kg ऑफ बनानास एट ₹500। ए ने ऑफर किया बी को 50 kg बनाना 500 में। बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days। बी एक्सेप्ट कर रहा है बट 4 दिन बाद, बिकॉज सच इज नॉट अ, ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर? ये ऑफर किया सेल करने का 50 kg बनाना, बी कम्युनिकेट कर रहा है एक्सेप्टेंस 4 दिन बाद, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नो सर। क्यों? रीजन क्या है? क्या प्रॉब्लम है? बनाना इलीगल है, प्रोडक्ट है क्या? बनाना इलीगल है क्या देश? हाँ खराब हो जाएगा। हाँ सर थैंक यू, खराब हो जाएगा, पेरिशेबल है। 50 kg बनाना की जगह 500 दूध भी हो सकता था, अरे मिल्क। हाँ सर खराब हो जाएगा। आज दूध का ऑफर किया, 4 दिन बाद हाँ हाँ मेरे को दूध दो, थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। वो नया ऑफर होगा, ठीक है। तो जो पेरिशेबल है, अब रीजनेबल टाइम क्या है, समझ गए ना सर? जिस चीज के लिए जो टाइम एक्सेप्टेबल हो सकता है। बनाना के लिए संगे संग एक्सेप्टेंस या फिर 1 दिन के अंदर बोलना चाहिए था, 4 दिन बाद। आइटम्स कुड नॉट स्टे फॉर ए पीरियड ऑफ वीक, एक हफ्ता नहीं जा सकता बनाना। 4 days इज नॉट ए रीजनेबल टाइम इन दिस केस। ए ऑफर टू बी टू सेल हिज हाउस एट ₹10 lakh, बी एक्सेप्टेड द ऑफर एंड कम्युनिकेटेड टू ए आफ्टर 4 days, चलेगा क्या? अरे घर बेचना है, 4 दिन बाद बोला कि हाँ सर हाँ मुझे लेना है आपका घर 10 लाख में, चलेगा 4 दिन बाद? चार क्या 40 दिन भी, अगर 4 की जगह 40 दिन भी होता शायद चल जाता। घर बेचना है 10 लाख से, 20 लाख, 50 लाख, एकदम खराब होगी, चले, ठीक है। ये रीजनेबल टाइम है। हाँ अब 1 साल बाद बोलेगा, 6 महीने बाद बोलेगा, थोड़ी ना चलेगा। हाँ, अब रीजनेबल टाइम समझा करो कि रीजनेबल टाइम कितना दिन तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। आजकल तो लोगों को रीजनेबल का मतलब भी समझ में नहीं आता, बिकॉज कोई किसी का एक्चुअली प्रैक्टिकल सेंस लोगों का खत्म हो गया ना। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, कोई एक स्टूडेंट था, एक बार क्लास ले रहा था, अकाउंट सिखा रहा था सर, क्लास 11th 12th लेवल में, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस कितना खराब हो गया आजकल बच्चे लोगों का, बिकॉज ऑफ आजकल का कुछ, मतलब सर ब्रिंगिंग एंड ब्रॉटअप ना, मेरे को बहुत शिकायत है। आई डोंट नो कि मैं अपने बच्चे को कैसे ब्रिंगिंग ब्रॉटअप करूँगा, लेकिन सीरियसली कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी को मैं पढ़ा रहा था, ऐसे पढ़ा लिखा है सर, इंग्लिश भी अच्छा समझ लेता है, सब कुछ ठीक है, तो एक्चुअली मैं कैश सेल समझा रहा था, ठीक है। कैश सेल का मतलब क्या है? हाँ सर कैश सेल का क्या मतलब है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, कैश सेल मतलब? कैश टू सेल्स। अरे नहीं, वो जर्नल एंट्री नहीं पूछे, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कैश सेल मतलब क्या। अकाउंटेंसी में जब हम लोग बात करते हैं ना, कैश सेल है मतलब कैश में सेल हुआ, मतलब नॉट क्रेडिट, यही ना। अरे कैश में सेल हुआ है तो किसी को पढ़ा रहे थे सर, तो मैं उसको पूरा अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री खत्म हो गया, फिर बहुत दिन बाद एक बार एग्जाम लिया, तो फिर बोल रहे सर कैश सेल का मतलब होता है कि कैश को सेल करना। अब बात समझ रहे हो सर, कैश को सेल करना मतलब आप कैश को बेच दोगे किसी को, कैश सेल।
अब समझ रहे हो कॉमन सेंस का क्या हालत है। नगद को जो सेल, नगद में जो सेल होता है, अब इसके लिए क्या अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा क्या, या फिर ये कॉमन सेंस है कि किसी भी चीज को नगद में सेल करने को कैश सेल कहते हैं और उधारी में सेल करने को क्रेडिट सेल कहते हैं। इसके लिए अकाउंट्स का नॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एरिया के साथ समझदारी होना चाहिए, एटलीस्ट बचपन से थोड़ा बहुत बाजार जाना, मार्केट जाना। हाँ सर, आपको समझ आ जाएगा कि कैश सेल क्या होता है, क्रेडिट सेल क्या होता है। मतलब इसीलिए मतलब कहने का मतलब और कुछ नहीं सर, कुछ चीज़ें मतलब आम जिंदगी में सीख होना चाहिए, जो घर की परवरिश होना चाहिए, तो किताबी बात भी बाद में समझ आ जाएगा। बट आप कभी भी हमेशा आप किताब में ही छुपे रहते हो, कभी प्रैक्टिकल के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि सर पढ़ाते वक्त आपको प्रैक्टिकल बातें करें तो आपको शायद ज़रूरत में काम आएगा, सिर्फ किताबी बात करके कुछ नहीं कर पाओगे। देखा ना सर कितना गवर्नमेंट कंपनी बंद हो रहा है, क्यों जानते हो? इसका मेन रीज़न है कि सब लोग, सर शायद आपको बात मेरा पसंद नहीं होगा, सब एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, सब किसके पीछे भाग रहे हैं सर, एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। अगर बात गलत है तो बताइएगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए सर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, नंबर ऑफ टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अगर हो सके ना, अगर मार्केट में 100 साल पुराना टेस्ट पेपर भी है ना, 100 इयर्स पुराना टेस्ट पेपर भी सॉल्व करके एग्जाम क्रैक कर लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया तो जॉब भी मिल गया। जहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर रहा है, आजकल चलता है सर, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत चलता है, ठीक है। सेटलमेंट करके पैसा वगैरह खिला के, मानो कि सैलरी है 70,000 का, चलो भाई 10 लाख दे दो, 10 लाख देके जॉब में घुस गया। चलो सर मैं मानता हूँ कि कोई ब्राइब नहीं चला, सिंपल एकदम डायरेक्ट जॉब हो गया उसको, एग्जाम क्रैक किया, एकदम जेन्युइनली सर एग्जाम क्रैक किया, बहुत हाईफाई एग्जाम क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया, हाँ सर यूपीएससी क्रैक किया, आईएएस क्रैक किया, बहुत हाईफाई चीजें क्रैक किया, बहुत बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना ये चाहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा एग्जाम क्रैक करके इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन बाद बंद होने के कगार में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ सर ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम लगता है? क्रैक तो एग्जाम जबरदस्त किया था, एक का बात नहीं कर रहा हूं, लाखों का बात कर रहा हूं मैं, नॉलेज, हाँ लाखों का बात कर रहा हूं। मेन प्रॉब्लम है कि बिजनेस अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना जा रहा है ना, तो एक्चुअली आपको ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करना आना चाहिए, उसको सर्वाइव कराना आना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। बट आपने तो कभी प्रैक्टिकल नॉलेज लिया ही नहीं, आपको तो सिर्फ मैनेजर का पोस्ट चाहिए था। आपको मैनेजर के पोस्ट क्यों चाहिए था? बिकॉज आपको मंथली 80,000 का सैलरी चाहिए था, आपको तो और कुछ नहीं चाहिए था। फिर जब बैंक प्राइवेटाइज का बात करता है, बिकॉज बैंक फेलियर हो रहा है, गलत लोगों को लोन दे दे के लोन का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पहाड़ बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जितना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आप देखो, नॉट जस्ट बैंक, आप गवर्नमेंट कंपनीज देख लो, आप सेल वगैरह देख लो, बहुत सारा आप देखोगे ना फाइनेंशियल हालत खराब है। मैं स्टॉक मार्केट में पढ़ाता रहता हूँ ना, तो वो लोग समझते हैं वहाँ पर कि क्या सिचुएशन है यार। इंडिया देख लो आप, प्रॉब्लम क्या है? सबको बस हाई लेवल का पोस्ट चाहिए और 80,000 2 लाख 2.5 लाख का जॉब चाहिए। अरे भाई आपको जॉब चाहिए, दैट्स ओके, जॉब बहुत लोगों को चाहिए, बट वेयर इज द ग्रोथ? मतलब नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ करोगे आप? हाँ सिर्फ क्रैक करने, एग्जाम क्रैक करना है। डब्बा एडुकेशन सिस्टम है सर, डब्बा एडुकेशन सिस्टम। सर आप बदल डालो सर, मेरे बदलने का बात हाँ बस वही, इसीलिए क्या हो रहा है, अब रहेगा नहीं ना, अब रहेगा नहीं इस तरह से, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी कहाँ ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। लोग पागल हो रहे हैं ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और 10 साल गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएगा, बस कुछ एरिया रहेगा जहां पर एक्चुअली गवर्नमेंट लेवल रहेगा, ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बचेगा तब ना, मेरे को वही चीज पे कंसर्न है। ऑर्गेनाइजेशन बचना चाहिए ना, तब गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं बचता है। आज मोदी जी कर रहे हैं तो हम चिल्ला रहे कि सब प्राइवेट कर लो, सब प्राइवेट कर लो। हाँ कुछ दिन पहले वो एक गवर्नमेंट का एक रेलवे बना था, ये रेलवे बोल रहे हैं, ये आपका मालगाड़ी होता है ना सर, गुड्स ट्रेन, तो गुड्स ट्रेन में अदानी का एडवर्टाइजमेंट आया था, तो एक बंदा बोल रहा है कि, मैं कहीं पर स्टेटस देख रहा था, एक बंदा बोल रहा है कि सर मतलब वो उसका कहना है कि ये मोदी के जमाने में ही पॉसिबल हुआ है कि हर चीज में भी अदानी अंबानी दिखेगा। लेकिन मेरे को उससे एक ही चीज पूछना है
कि भाई तुमको पता है कि ये जैसे मानो कि इंडियन टीम क्रिकेट खेलता है उसको पैसा का अभाव क्यों नहीं होता बोलो तो, बिकॉज वो पैसा जनरेट करता है, वो बिजनेस जनरेट करता है, उसको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को मालगाड़ी क्या अपने कहाँ से पैसा लाएगा? हम लोग टैक्स सही तरह से भरता है क्या? हाँ, भारत का कितना लोग सही तरह से टैक्स भरता है? तो ये जो रेलगाड़ी चलता है मैक्सिमम सब्सिडी में चलता है, तो कम से कम उसको किसी कोई कंपनी आके बोल रहे कि भाई मैं इस मालगाड़ी को चलने के लिए जो भी स्पॉन्सरशिप है मैं करता हूँ, आप मालगाड़ी चलाइए, बदले में बस मेरा एडवर्टाइजमेंट चलेगा, क्या खराब है इसमें? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? अगर गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं सोचेगा। बट क्या लगता है इंडिया जैसा गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत पैसा है, उल्टा जो है वो लॉस में जा रहा है, बचाने के लिए पागल हो रहा है, तो क्या करेगा और कौन सा चारा है? तब एक ही काम है, जितना हमारा पैसा है सब पैसे से, जैसे लास्ट ईयर किया था जानते हो, बैंकों को बचाने के लिए सरकार को वोट था सामने, तो अगर प्राइवेटाइज कर देगा तो वोट नहीं मिलेगा सर, ठीक है? तो 2,00,000 करोड़ का पैसा बैंकों को बचाने के लिए सब्सिडी दिया था, 2,00,000 करोड़, तब जाके बैंक कुछ दिन फिर से चल रहा है। अब ऐसा हर साल 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 करोड़ देके कितना दिन बचाओगे? जेन्युइनिटी होना चाहिए। आप कितना भी बड़ा एग्जाम क्रैक करके आओ, बट ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने का वो नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस सिस्टम होना बहुत जरूरी है सर। पता नहीं कब होगा, बट अगर समय नहीं करेगा, मतलब अगर ऐसे नहीं कोई करेगा ना, तो समय कर देगा, डोंट वरी। आई डोंट नो आप लोगों को मेरा बात समझ में आता है कि नहीं आता, बट सीरियसली कर देगा। तो जो भी हो, टाइम समझ में आ गया होगा। अरे आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? यस सर। यस सर। ओके सर। अच्छा, आपकी चुप्पी को क्या मैं आपका हाँ समझू सर? आपका चुप्पी को क्या मैं आपका हाँ समझू? हाँ रे, हाँ, मतलब बात कुछ ऐसा बात कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे बचपन में ऐसा एक होता था सर कि मानो कि कोई लड़का कोई लड़की को पसंद करता है, या फिर लड़की लड़का बोथ, हाँ सर, वाइस वर्सा, स्कूल लेवल लव स्टोरी सर, ऐसे होता है ना सर कि मानो कि किसी लड़की के साथ आपका अच्छा लगता है आपको बात करना, तो आपने कभी किसी कारण से 2 मिनट बात कर लिया, ठीक है? तो बात करके बस एक छोटा सा मुस्कुराहट दे के एक दूसरे जा रहे हो सर, तो जो लड़की है वो जा रहे सर, ठीक है? तो जाते जाते आप वहीं पर खड़े हो अपने दोस्त के साथ, और आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो कि अगर पलट के देखा तो मान कि हाँ है, हाँ सर, ऐसा बोलते हो ना, अगर पलट के देखा तो हाँ है, लड़का लोगों को पूछ रहा हूँ मैं। अरे इस तरह का कॉन्सेप्ट मानते हो कि नहीं मानते? आजकल पुराना हो गया, शायद ओल्ड फैशन है, हाँ सर, बट ये स्कूल लेवल में आज भी चलता है सर, मेरे को जैसा लगता है, कितना भी ओल्ड फैशन बात हो जाए बट ये सर आज भी चलता है मेरे को लगता है, जो भी हो। तो कहने का मतलब है कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर कोई चुप है, जवाब नहीं दिया, इसको हाँ नहीं समझना है सर। एक्सेप्टेंस मतलब मेयर साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैनॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरर ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर, ठीक है? अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कॉन्टैक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर पहले ऑफरी ने आपको इस तरह का बता दिया कि मेरा साइलेंस ही मेरा एक्सेप्टेंस है, अगर ऐसा कोई कॉन्डक्ट उसने पहले बता के रखा है कि मेरा साइलेंस ही मेरा इंडिकेशन है एक्सेप्टेंस का, देन ये चलेगा सर, ठीक है? अगर वो पहले से आपको बता के रखा है, अदरवाइज साइलेंस कभी आपका एक्सेप्टेंस का इंडिकेशन नहीं हो सकता। ये केस हुआ था सर एक फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, ओके, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले या बाइंडले जो भी बोलो, आई डोंट नो सर, 1862। If uncle offered to buy his nephew's horse, यही केस हुआ था, if offered to buy his nephew's horse for ₹30, saying, क्या बोला? If I hear, सर बहुत जोर से तूफान हो रहा है, थोड़ा सा होल्ड करो, हाँ मैं अभी आता हूँ, बहुत जोर से तूफान हो रहा है। बहुत जोर से हवा चल रहा है सर, ये हवा का साउंड एकदम फिल्मी जैसा। हाँ सर, फिल्मी जैसा हवा ही चल रहा है।
एक्चुअली मैं थोड़ा फिफ्थ फ्लोर में रहता हूँ ना, और मेरे आसपास में कुछ और बिल्डिंग भी नहीं है, तो पूरा हवा जब भी देता है ना एकदम जोर से देता है, और एकदम सौ 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 आवाज देता है, डर लग जाता है कि अभी शायद खिड़की टूट जाए, ऐसा फीलिंग आता है। हुआ भी था आम्फान के टाइम, आम्फान के टाइम पे हाँ हुआ भी था, एकदम पूरा खिड़की तोड़ के मेरा पूरा घर, जैसे लोग सोचते हैं ना कि ग्राउंड फ्लोर डूबता है, मेरा फिफ्थ फ्लोर डूब गया था पूरा पानी भर गया था खिड़की एकदम, आई थिंक बहुत लोगों का हुआ था। ओके देखो सर, तो अंकल सॉरी एफ, अंकल मतलब एफ है, अंकल ऑफर्ड टू बाई इज निफ्यूज हॉर्स 30 pounds, सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट, अगर मैं मुझे इसके बारे में और कुछ समझ सुनने को नहीं मिलता, आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन, ठीक है, मतलब ये घोड़ा बेचने के बारे में अगर उसको सुनने को कुछ नहीं मिलता तो वो यही मान लेगा कि घोड़ा 30 pounds में उसको मिल गया। द निफ्यू रिफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, वो अंकल को कुछ नहीं बोला, ही टोल्ड हिज ऑक्शनियर, मतलब जो उसका ऑक्शनियर था उसको बोल दिया था बी जो ऑक्शनियर है, टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक, मतलब उसको अलग कर दो, एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल, बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स, ऑक्शनियर ने वो हॉर्स को बेच दिया। एफ ने क्या किया, शूड हिम फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब वो उसको वापस लेना चाहता है। एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज निफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम, मतलब जब इसका प्रमाण का बात आया तो क्योंकि निफ्यू को पता था कि मैंने कुछ बोला नहीं था, ठीक है, हाँ ना कुछ नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन वो अपने मन में सोच लिया था कि ठीक है मैं ऑक्शनियर को बोल दूंगा कि अंकल को 30 pounds में वो वाला घोड़ा मैंने बेच दिया, तो आप वो वाला घोड़ा और किसी को नहीं दीजिएगा, बट ऑक्शनियर ने ये गलती कर दिया कि वो घोड़ा बेच दिया। अब बाद में अंकल आके अपने निफ्यू पे केस कर रहा है कि मेरे को मेरा प्रॉपर्टी चाहिए, तो तब निफ्यू बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इवन कोर्ट भी बोला कि पूरा का पूरा बात हुआ तो क्या एक्सेप्टेंस में कुछ कम्युनिकेशन बेसिकली हुआ था, तो बेसिकली साइलेंट था पूरा पूरा केस, ठीक है, बिकॉज निफ्यू ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला था, चुप था, तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर निफ्यू ने अंकल को ऐसा बोल दिया होता कि भाई मैं चुप रहूंगा तो फिर मान लीजिएगा हाँ है, ठीक है, अगर ऐसा पहले से इंडिकेशन होता तो शायद एक्सेप्ट हो जाता, बट ऐसा कुछ बात नहीं था, तो इसलिए बात केस में चला गया था, और ये था फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ओके सर, ए सब्सक्राइब फॉर दी वीकली मैगजीन फॉर 1 year, ऐसे होता है ना सर, वीकली मैगजीन एक साल तक का, जैसे मेरा पेपर चलता है इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब मेरा न्यूज़पेपर भी चलता है, एक साल का सब्सक्रिप्शन चलता है। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 years। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, ध्यान से सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया बट मैगजीन कंपनी आपको मैगजीन 5 साल तक दिया, एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज, ए ने इसको कंटिन्यू करता रहा, ठीक है, कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम। क्या ये सही कर रहा है क्या, क्या ये कर सकता है, कोर्ट क्या बोलेगा? नो सर। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा बोलो सर, कोर्ट तो यही बोल रही है सर, कंपनी तो सेंड कर रही थी। हाँ सर बोलो, क्या बोला? तो कंपनी तो सेंड कर रही थी ना, कंपनी को भेजना बंद कर देना चाहिए था क्योंकि सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, तो फिर क्या ए ने तो चुपचाप यूज करता गया। हाँ उसका भी गलती है सर, ए जो दी यूज कर दिले ए पे करते होंगे। यस सर, वेरी गुड अर्पिता, अगर आपने यूज किया तो आपको पे करना होगा, मेयर साइलेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस हियर। ओके आपने चुप है, ए वुड बी लायबल टू पे एज हिज कंटिन्यूड यूज द मैगजीन वाज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। अब यूज कर रहे हो ना मैगजीन तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट है आपका, बाद में बिल नहीं पे करोगे ये गलत बात, ठीक है, कोर्ट कभी नहीं मानेगा। अगर आपको नहीं लेना था आप कंपनी में जाके बोलते कि मेरा मैगजीन बंद करो, बोलना चाहिए था, है ना। अगर फिर भी कंपनी मैगजीन देता कि आपने चिट्ठी भेजा, ईमेल भेजा कि भाई बंद करो, फिर भी कंपनी भेजता गया, तब कंपनी का गलती है। जैसे ऐसा हुआ था मेरे फैमिली में किसी के साथ, क्रेडिट कार्ड लिया था तो क्रेडिट कार्ड का बिल यूज नहीं कर रहे पर फिर भी बिल आते जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को बोला कि भाई कुछ कर इसका, मैं इसको बार बार बिना कारण का बिल भर रहा हूँ। तो फिर मैंने लास्ट एक बिल था कुछ 15,000 का, यूज भी नहीं किया, 15,000 का बिल आया, मैं उसका पेमेंट कर दिया, फिर मैं बैंक को कस्टमर केयर में फ़ोन करके बोला कि भाई मेरे को यूज़ नहीं करना है, आप इसको बंद कर दो। वो मेरे को हज़ारों सवाल कर रहा है कि क्यों बंद करना है, क्या आपका है, क्या किसी और का है, मेरे को यूज़ नहीं करना है, आप इसको बंद करो, मेरा कोई भी लायबिलिटी है तो क्लियर करो और बंद करो, सुनना नहीं चाहता। अगर ऐसा केसेस है तो कंपनी गलत है, तो ये सब केसेस होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट है, रियल लाइफ केसेस है, चलता रहता है,
बहुत सारा कंपनी ऐसे दिमाग खराब करके रखता है. एक्सेप्टेंस बाई कॉन्डक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, मतलब आप कुछ ऐसे करते हो जो आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ए का हुआ है वो यूज करते गया तो एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस बन गया. तो एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance. Verbal or written communication dono hi ho sakta. Example sir, when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods. Aap kisi cheez ka business karte ho, aapke paas order aaya kisi bhi cheez ka, theek hai, saadi ka, lehenga ka, kurti ka, goods ka, shirts ka, t-shirts ka, jeans ka, whatever. A tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods. The customer's order for goods constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. Koi kisi ko kuch nahi bola. Goods aaya, aapko goods ka offer aaya, written ho ya verbal ho, aapne usko de diya. So this is your conduct. When a cobbler, ye wala example se aapko zyada samajh mein aayega. When a cobbler sits with a brush and polish. Haan sir? कॉबलर तो देखे होंगे आप लोग रस्ते में, देखा है ना सर वाला कॉबलर. अरे क्या स्पेलिंग है कॉबलर का, क्या खाना निकल के आ गया कॉबलर लिखा, सी ओ बी कॉबलर मैन. ओके कॉबलर मैन लिखना पड़ेगा. जैसे मानो ये कॉबलर भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, कोई जाके कॉबलर के सामने अपना जूता रख दिया, तो कॉबलर के सामने कोई जूता रख दिया, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, जस्ट कॉबलर के सामने जाके जूता रख दिया, अपना शूज रख दिया. क्या मतलब होता है कि जूता सिलना है. नॉर्मल केस में देखा जाता है कि कॉबलर के सामने जाने से, जूता रखने से, या तो जूता पॉलिश करेगा या तो जूता में कोई फटा फूटा है तो उसको सीविंग करेगा. तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रख देता है, पॉलिश कर देता है, पैसा ले देता है, चला जाता है. तो मानो आपने जाके पैसा रखा और उसने भी जूता सिलना चालू कर दिया, फिर जब ने जब इसे जूता सिल दिया आप बोल रहे हो भाई तेरे को कुछ करने बोला था, बस तेरे यहाँ पर पैर रखा था, ऐसा थोड़ी ना चलेगा. ठीक है, कंडक्ट है आपका. ठीक है, तो ये सिंपल बात है सर कि कॉबलर से आपको बस ये कॉबलर का एग्जाम्पल एक सिम्बॉलिक एग्जाम्पल है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हो वो भी आपका एक्सेप्टेंस है. मैंने कॉबलर सिट्स विद अ ब्रश एंड पॉलिश, अ पर्सन गिविंग हिज शूज फॉर पॉलिशिंग कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस बाय कॉन्डक्ट. आप पॉलिश कर रहे हो मतलब बेसिकली क्या है, एक्सेप्टेंस है. बात समझ रहे हो सर. अरे जैसे मानो क्लास चल रहा है, कोई एक स्टूडेंट आके क्लास में बैठ गया, देखा नहीं गया बट बाद में पता चला कि कोई नया न्यू स्टूडेंट आके क्लास में बैठ गया और क्लास कर रहा है. तो स्टूडेंट क्लास कर रहा है, मैंने भी उसको कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, मैं उसको क्लास कराने के लिए एक्सेप्ट कर लिया और वो भी मेरे पास पढ़ने के लिए एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया. तो अभी क्या है, मैं भी मुझे भी उसको पढ़ाना पड़ेगा और उसे भी फीस देना पड़ेगा. सिंपल बात है. ठीक है, ये कॉन्डक्ट है हर चीज में. आप सैलून में जाके बैठ गए, सैलून में जाके बैठ गए तो नाई क्या करेगा, जो बर्बर है वो क्या करेगा, आपका बाल काटेगा, है ना. कुछ बातचीत थोड़ी ना होगा, हर बात में बातचीत नहीं जरूरी नहीं है. कभी कभी कुछ कॉन्डक्ट भी, वर्बल या रिटेन जो भी हो, कुछ कॉन्डक्ट जो होता है वो भी एक्सेप्टेंस ही माना जाता है. समझ में आ रहा है सर. हाँ, टैक्सी वाले का एग्जाम्पल तो याद होगा आपको. हाँ सर, टैक्सी वाले का एग्जाम्पल, टैक्सी वाला चिल्लाता थोड़ी है. हाँ, वो टैक्सी लेके भागते रहते हैं, आप टैक्सी खड़ा करते हो और क्या बोलते हो, दादा हावड़ा चलो, दादा सियालदा चलो, जहाँ जाना है बेसिकली कोलकाता के अंदर. ठीक है, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन में वो आपको लेके जाएगा. तो हर चीज में बातचीत थोड़ी होता है, कॉन्डक्ट. ओके, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. आई होप क्लियर हो रहा है सर बातें. हाँ, एक्सेप्टेंस समझ में आया ना सर. यस सर, एकदम सर. तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचा करो. हाँ, व्हाट ए लाइटेड मैच इन अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर. हाँ सर, याद रखिएगा. नेक्स्ट दिन हम लोग सर एक्सेप्टेंस तो आज समझ ही गए. ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो आप लोग इतना देर में पढ़ा ऑफर एक्सेप्टेंस में, प्लीज गो थ्रू वंस. ओके, ये समझ में आ ही जाएगा. कुछ पॉइंट्स है, कुछ केस स्टडीज इसके अंदर भी है. अगर नहीं समझ आए मैं बात करूंगा नेक्स्ट दिन आप लोगों से. कुछ अच्छा अच्छा केसेस है. ठीक है, एक आपका मनुस्वामी का केस है, लिली वाइट वर्सेज मनुस्वामी. एक है आपका मुकुल दत्ता और इंडियन एयरलाइंस का एक केस है. बात करूंगा आप लोगों से, बट एक बार आप लोग प्लीज गो थ्रू कीजिएगा. हाँ, मजा आएगा. नोट्स है सभी के पास, अगर किसी के पास नहीं है बता दीजिएगा मुझे. रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम का भी एक केस है. ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस
इसका भी नेक्स्ट दिन मैं चर्चा कर लूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. क्या सर? रिवोकेशन. रिवोक भी हो सकता है, कैंसिल करना. ठीक है, मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा. ओके सर, बोलो. क्लैरिटी आया, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है सबको? कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो सर. ठीक है, नोट्स को गो थ्रू करो. नेक्स्ट दिन रिवोकेशन, एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड और थोड़ा सा अपग्रेडेड कुछ चैप्टर रिलेटेड डेप्थ है, तो कुछ डेप्थ एरिया है उसमें भी बात करूंगा आपसे. ठीक है, आज इतना ही है. गुड नाइट फिर सबको. टाटा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बाय सर. बाय. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. बाय सर. गुड नाइट. वेलकम वेलकम सर. Bye, sir.